myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. ग्लेनफिल यानी कि 12वीं फिल 2023 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की सुहाने उम्री ड्रामा फिल्म है। इसे वनोद चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया और लिखा और हिदायतकारी की। ये मनोज कुमार शर्मा की हकीकी जिंदगी की कहानी के बारे में अनुराग हाटक की 2019 की नामी नान फंक्शन किताब पर मबनी है, जिसने इंतहाई इज्जत पर काबू पाकर इंडियन पुलिस सर्विस का अफसर बनाया। इस फिल्म में मध्या शंकर, अनंत वी जोशी, अनोशोमान पश्कर और प्रिया निशो चट्टर जी के साथ वर्कनाथ मैसी टाइटल रोल में है। ये जो मूवी है, इस मूवी की जो बजट है दोस्तों वो है जी 66 करोड़, और ये जो है ना अक्टूबर 2023 को थिएटर में रिलीज़ हुई। और इस फिल्म की जो पजीराई है, तनकीदी पजारे मिली इसको, वो है जी 20 करोड़ और 27 लाख। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करते आपको नजर आएंगे। वर्कनाथ मैसी बतौर मनोज कुमार शर्मा के रोल में नजर आएंगे, मधा शंकर बतौर शरहा जोशी के रोल में, आंत वी जोशी बतौर प्रीतम पांडे के रोल में, अंशुमान इश्कर बतौर गौरी भैया के रोल में, प्रनिशु चट्टर जी बतौर DSP देशनाथ सिंह के रोल में, गीत अग्रवाल शर्मा मनोज की मां के तौर पर, हरियाश खन्ना मनोज के वालिद के तौर पर, श्रिया जोशी मनोज की दादी के तौर पर, संजय पशुनाई बतौर नेवल, डॉक्टर वकास दियू, कृति रजात खुद विजय कुमार डोगरा बतौर सुंदर रजनी के तौर पर, इसके अलावा पैरी छाबड़ा मनोज की छोटी बहन, दारा चनाए बतौर मिस्टर सोलगी, रिदिका जोशी बतौर तानिया, फासी खान बतौर कृष्ण श्रद्धा के घर का नौकर, राहुल दियो शेट्टी बतौर मिस्टर महा मनोज के UPSC इंटरव्यू लेने वाले के तौर पर आपको इस मूवी में नजर आएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है। दोस्तों इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है विधु विनोद चोपड़ा। राइटर भी यही है विधु विनोद चोपड़ा, और बेस्ड ऑन 12 फेल बाई अनुराज हाटक की तरफ से। और इस मूवी को जिसने प्रोड्यूस किया है उनका नाम विधु ही है विनोद चोपड़ा, और इसका साथ दे रही है योगेश इसरवार। इस मूवी में मेन किरदार अदा करते आपको नजर आएंगे विक्रनाथ मैसी, मिधा शंकर, अन्नाथ वी जोशी, इसके अलावा अनुशुमान पुष्कर, और इसके अलावा आखिर में जो मेन किरदार अदा करते आपको नजर आएंगे वो होंगे नरेतित बाई अनंत वी जोशी। और सिनेमेटोग्राफी जिसने इस मूवी की है उनका नाम है रंगराज, और एडिट जिसने किया है उनका नाम है जिसकुवार कोहली। और इसके अलावा विधु विम चोपड़ा भी इनके साथ हैं। म्यूजिक बाई संथम मुनेत्रा, प्रोडक्शन कंपनी विनोद चोपड़ा फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूट बाई जो है ना वो अजीज स्टूडियोज की तरफ से है, और इसकी जो रिलीज डेट है वो 27 अक्टूबर 2023 है। रनिंग टाइम इसका 140 मिनट का है। कह सकते हैं कि ये 2.5 घंटे की मूवी है, और कंट्री इसकी इंडिया है, और लैंग्वेज इसकी हिंदी है। इस फिल्म की वो जो लागत आई वो 20 करोड़ की लागत आई, और इसने बॉक्स ऑफिस पर 66.58 करोड़ का बेहतरीन बिजनेस किया। अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी बताता हूँ। इस मूवी की स्टोरी क्या है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि मूवी देखने का मकसद भी यही स्टोरी होता है कि इस मूवी की स्टोरी क्या है। दोस्तों
मूवी इस मूवी में आप ये देखेंगे कि डाकू से मुतासर चंबल वादी में पैदा हुए मनोज कुमार शर्मा मेयर के लिए काम करने वाले एक सीधे क्लर्क का बेटा और एक सूबेदार का पोता है जो कार्रवाई में हलाक हो गया। इसके वालिद और दादी दोनों अपने तरीके से इंतहाई ईमानदार हैं और करप्शन पर यकीन नहीं रखते। इस अटल यकीन की वजह से मनोज के वालिद को एक बदनवान अफसर को मारने पर मुअत्तल कर दिया गया। मनोज अपने 12वीं जमात के फाइनल इम्तिहान के लिए धोखा भी की पर जिया तैयार करता है जैसा कि इसके तमाम बेच के साथी करते हैं। इंतजाम मकामी MLA के जे असर होते हैं जो हुक्म देता है कि तमाम तलबा को पास होना चाहिए। तहम नए तब्दील शुदा पुलिस अफसर DSP विश्वनाथ सिंह स्कूल में MLA की कॉलों को नज़रअंदाज करते हैं और हेडमास्टर को गिरफ्तार कर लेते हैं जो बाद में इसे रिश्वत देने की कोशिश करता है। नतीजे के तौर पर मनोज समेत तमाम तलबा इम्तिहान में फेल हो जाते हैं। दरअसल इसके वालिद इसकी मुअत्तली को हाई कोर्ट में चैलेंज करने चाहते हैं और ख़ानदान का बोझ मनोज और इसके बड़े भाई पर छोड़ देते हैं। भाइयों ने एक सफरी रक्षा इकट्ठा करने और फीस वसूल करने का फैसला किया ताकि घर में मदद मिल सके। मनोज के भाई को मेयर के मकामी मुर्गी को मारने के झूठे इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। जब वो इनके मुसाफिरों को बस में सफ़र करने की कोशिश करता है बदनवान पुलिस अफसरान इन्हें भी फंसाने की कोशिश करते हैं। SHO की तरफ से अपने भाई को गोली लगने से बचाने के लिए अपने दादा की राइफल लाने के लिए उकसाने के बाद मनोज इसके बजाय विश्वनाथ के घर पहुंच जाता है जो अपने भाई की जमानत देता है। जब मनोज ये सीखने की दरख्वास्त करता है कि विश्वनाथ जैसा आला अफसर कैसे बनता है तो विश्वनाथ इसे मशवरा देता है कि धोखा दही बंद करो। एक साल बाद मनोज ने धोखा दही के बगैर थर्ड डिवीज़न में होने के बावजूद अपना इम्तिहान पास किया और DSP बनने के लिए तारीख और हिंदी अदब में बैचलर ऑफ आर्ट्स करने का इंतखाब किया। जब वो गवा अलियार के सरकारी कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए निकलते हैं तो इसके दादी से अपनी सारी बचत देती है लेकिन सो जाने के बाद रास्ते में अपना सारा सामान खो देती है। वो खाली पेट सड़कों पर घूमने लगता है जब इसे एक और ख़बर आती है कि PSC के इम्तहानात रोकने का फैसला किया है क्योंकि हुकूमत के पास नए ओहदेदारों को मुलाजमत देने के लिए फंड कम है। इस एक मुदिया प्रदेश हुकूमत ने अगले 3 सालों के लिए मुदिया प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप से इसका बरास भर्ती डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बनने का ख्वाब टूट जाता है। वो इस वक्त तक घूमता रहता है जब तक के बेहोश न हो जाए लेकिन मकामी रेलवे स्टेशन के करीब एक मकामी होटल का मालिक इसे खाना खिलाता है कि UPSC वहां इसकी मुलाकात प्रीतम पांडे से होती है जो PSC के इम्तिहान में पढ़ने के लिए भी आया था। पांडे का अमीर ठेकेदार बाप इसे फोन करता है इसे दिल्ली में UPSC इम्तिहान की तैयारी करने को कहता है। मनोज बारे में सीखता है और तालीम हासिल करने और IPS अफिसर बनने के लिए प्रीतम के साथ दिल्ली जाता है। इसकी मुलाकात गोरी भियात से होती है जो इम्तिहान पास करने की अपनी आखिरी कोशिश कर रही है। मनोज को मुलाजमत के मौके और पढ़ने के लिए जगह फराहम करती है। तहम गोरी भिया अपनी आखिरी कोशिश साफ करने से कासिर है आगे बढ़ने का फैसला करते हुए
गोरीबिया ने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट और हरी स्टार्ट के नाम से एक चाय का स्टॉल खोला और अपनी खिदमत मुफ्त फराहम की। अगले साल मनोज इब्तदाई इम्तिहानात की कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है। गोरीबिया की मदद से वो दोबारा नमोदार होता है और इसे साफ करने का इंतजाम करता है। एक कोचिंग सेंटर के दौरे के दौरान वो मसूरी से ताल्लुक़ रखने वाली शारदा जोशी और उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए हदफ रखती है और वो इससे प्यार करती है। अपनी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद मनोज इस साल भी अपने अहम इम्तिहानात पास करने में नाकाम रहता है। शारदा UPSC से मिलता है। वो इनके साथ इसके इब्तदाई तौर पर बढ़ते हुए ताल्लुकात में एक मुख्तलिफ रुकावट पड़ती है जब अब इसे अपनी हकीकी शनाख्त एक एग्जोनॉटिकल इंजीनियर के बजाय अदब से फारिग अल-तहसील के तौर पर मालूम होती है। इसके बाद वो मजीद मेहनत करने का फैसला करता है। हालांकि इसका नतीजा वही निकलता है। वो घर वापस आया और देखा कि इसकी दादी का इंतकाल हो गया है। अब एक मायूस गोरीबिया मनोज को अपने घर ले जाता है और इससे कहता है कि वो अजीब व गरीब काम करना छोड़ दे और अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो देना शुरू करे। वो ऐसा करता है और आखिरकार शारदा की मदद से मरकजी इम्तिहानात भी पास कर लेते हैं। इस वक्त के पास पास प्रीतम जो अपने तमाम इम्तिहानात में बार बार फेल हो चुका था मनोज से हसद करता है और इससे UKPSC पास करता है। जिसने इस वक्त तक डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए अपने शारदा को कहकर बदनाम करता है कि वो मनोज के साथ सो रही है। इससे इनके रिश्ते में खराबी पैदा होती है लेकिन आखिरकार ये साफ हो जाता है। हालांकि मनोज प्रीतम से बहुत नाराज हो जाता है। इसने पहले ही महसूस करने पर मजबूर कर रहे थे और प्रीतम को मशवरा दिया कि वो अपने वालिद के खिलाफ उठ खड़े हों। UPSC था कि प्रीतम एक रिपोर्टर के तौर पर काम करना चाहता है। हालांकि इसके वालिद इसे मनोज अपना इंटरव्यू देता है और ईमानदारी से तमाम सवालों के जवाब देता है। वो शारदा की तरफ से इससे लिखा गया एक खत पढ़ता है जिसमें इससे शादी करने का कहा गया था। वो खुशी खुशी इंटरव्यू देता है और मुस्कुराना बाहर आ जाता है और मनोज अपना इंटरव्यू देता है। ईमानदारी के साथ मसलों के जवाब भी देता है। और 2 महीनों के बाद जब नतीज का ऐलान किया जाता है तो मनोज को एहसास होता है कि इससे IPS अफसर बनने का रैंक मिल गया है और वो जज्बात से रोने लगता है। 1 साल बाद वो शारदा के साथ रहने के लिए उत्तराखंड में एक आला दर्जे का IPS अफसर बनाता है और मध्य प्रदेश के मंदिर सुवारसूर के पुलिस स्टेशन में DSP दशनाथ सिंह किससे मिलने जाता है और ISP का शुक्रिया अदा करना चाहता है और वो इससे धोखा तर्क करने की तरगीब देता है और इससे अपना शादी का दावतनामा कार्ड सन्नत पहले तो मनोज को नहीं पहचान सकता लेकिन बाद में पूरी तरह से याद करने की खुशी से भर जाता है। मनोज को अपनी कामयाबी पर गले लगाता है। फिल्म का इख्तिताम इस वक्त होता है जब मनोज अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ अपनी शादी का जश्न मनाता है। आखिरकार
ظالمانہ اور مثل کی تعلیمی نظام کی لہروں کے خلاف جیت کر پرتم نے رپورٹر کے طور پر کام کیا اور آخر کار اپنا خواب کو پورا کر لیا۔ یہ ہے جی اس مووی کی سٹوری جو کہ ہم نے آپ کو بتائیں گے، میں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ 12th fail یعنی کہ 12th fail 2023 کی ہندوستانی ہندی زبان کی سوانح عمری ڈرامہ فلم ہے، جسے ونود چوپرا نے پروڈیوس کیا اور لکھا اور ہدایت کاری کی۔ یہ منوج کمار شرما کی حقیقی زندگی کی کہانی کے بارے میں انوراگ ہاٹک کی 2019 کی نامی نان فنکشن کتاب پر مبنی ہے، جس نے انتہائی عزت پر قابو پا کر انڈین پولیس سروس کا افسر بنایا۔ اس فلم میں مدھیا شنکر، انت وی جوشی، انوشومان پشکر اور پریا نشو چٹر جی کے ساتھ ورکنات میسی ٹائٹل رول میں ہیں۔ یہ جو مووی ہے، اس مووی کی جو بجٹ ہے دوستو وہ ہے جی 66 کروڑ، اور یہ جو ہے نا اکتوبر 2023 کو تھیٹر میں ریلیز ہوئی، اور اس فلم کی جو پذیرائی ہے تنقیدی پذیرائی ملی اس کو وہ ہے جی 20 کروڑ 27 لاکھ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس مووی میں کون کیا کردار ادا کرتے آپ کو نظر آئیں گے۔ ورکناتھ میسی بطور منوج کمار شرما کے رول میں نظر آئیں گے، مدھا شنکر بطور شرحا جوشی کے رول میں، آنت وی جوشی بطور ریتم پانڈے کے رول میں، انشو مان اشکر بطور گوری بھیا کے رول میں، پرنشو چٹر جی بطور ڈی ایس پی دیشنات سنگھ کے رول میں، گیت اگروال شرما منوج کی ماں کے طور پر، ہریاش کھنہ منوج کے والد کے طور پر، سریا جوشی منوج کی دادی کے طور پر، سنجے وشنائی بطور نیول، ڈاکٹر وکاس دیو، کرتی بذات خود وجے کمار ڈوگرا بطور سندر رجنی کے طور پر، اس کے علاوہ پیری چھابرا منوج کی چھوٹی بہن، دارا چنائے بطور مسٹر سولگی، ریدیکا جوشی بطور تانیا، فاسی خان بطور کرشن شردھا کے گھر کا نوکر، راہل دیو شیٹی بطور مسٹر مہا منوج کے یو پی ایس سی انٹرویو لینے والے کے طور پر آپ کو اس مووی میں نظر آئیں گے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس مووی کو ڈائریکٹ کس نے کیا ہے۔ دوستو اس مووی کو جس نے ڈائریکٹ کیا ہے ان کا نام ہے ویدھو ونود چوپڑا، رائٹر بھی یہی ہے ویدھو ونود چوپڑا، اور بیسڈ آن 12th fail بائی انراج ہاٹک کی طرف سے، اور اس مووی کو جس نے پروڈیوس کیا ہے ان کا نام ویدھو ہی ہے ونود چوپڑا، اور اس کا ساتھ دے رہی ہے یوگیش اسروار۔ اس مووی میں مین کردار ادا کرتے آپ کو نظر آئیں گے وکرناتھ میسی، مدھا شنکر، انات وی جوشی، اس کے علاوہ انوشمان پشکر، اور اس کے علاوہ آخر میں جو مین کردار ادا کرتے آپ کو نظر آئیں گے وہ ہوں گی نریتت بائی انت وی جوشی، اور سینموگرافی جس نے اس مووی کی ہے ان کا نام ہے رنگراج، اور ایڈٹ جس نے کیا ہے ان کا نام ہے جسکوار کولی، اور اس کے علاوہ ویدھو ون چوپڑا بھی ان کے ساتھ ہے۔ میوزک بائی سنتھم منیترا، پروڈکشن کمپنی ونود چوپڑا فلمس، ڈسٹریبیوٹ بائی جو ہے نا وہ عزیز اسٹوڈیوز کی طرف سے ہے، اور اس کی جو ریلیز ڈیٹ ہے وہ 27 اکتوبر 2023 ہے۔ رننگ ٹائم اس کا 140 منٹ کا ہے، کہہ سکتے ہیں کہ یہ 2.5 گھنٹے کی مووی ہے، اور کنٹری اس کی انڈیا ہے، اور لینگویج اس کی ہندی ہے۔ اس فلم کی وہ جو لاگت آئی وہ 20 کروڑ کی لاگت آئی، اور اس نے باکس آفس پر 66.58 کروڑ کا بہترین بزنس کیا۔ اب میں آپ کو اس مووی کی سٹوری بتاتا ہوں کہ اس مووی کی سٹوری کیا ہے، جس کا آپ سب کو بے صبری سے انتظار ہے، کیونکہ مووی دیکھنے کا مقصد بھی یہی سٹوری ہوتا ہے کہ اس مووی کی سٹوری کیا ہے۔ دوستو
मूवी इस मूवी में आप ये देखेंगे कि डाकू से मुतासर चंबल वादी में पैदा हुए मनोज कुमार शर्मा मेयर के लिए काम करने वाले एक सीधे कलर का बेटा और एक सूबेदार का पोता है जो कार्रवाई में हलाक हो गया। इसके वालिद और दादी दोनों अपने तरीके से इंतहा ईमानदार हैं और करप्शन पर यकीन नहीं रखते। इस अटल यकीन की वजह से मनोज के वालिद को एक बदउनवान अफसर को मारने पर मुअत्तल कर दिया गया। मनोज अपने 12वीं जमात के फाइनल इम्तिहान के लिए धोखा भी की पर जिया तैयार करता है जैसा कि इसके तमाम बीच के साथी करते हैं। इंतजाम मकामी MLA के जे असर होते हैं जो हुक्म देता है कि तमाम तलबा को पास होना चाहिए। अहम नए तब्दील शुदा पुलिस अफसर DSP दिशनाथ सिंह स्कूल में MLA की कॉलों को नज़रअंदाज करते हैं और हेडमास्टर को गिरफ्तार कर लेते हैं जो बाद में इसे रिश्वत देने की कोशिश करता है। नतीजे के तौर पर मनोज समेत तमाम तलबा इम्तिहान में फेल हो जाते हैं। दरअसल इसके वालिद इसकी मुअत्तली को हाई कोर्ट में चैलेंज करने चाहते हैं और ख़ानदान का बोझ मनोज और इसके बड़े भाई पर छोड़ देते हैं। भाइयों ने एक सफरी रक्षा इकट्ठा करने और फीस वसूल करने का फैसला किया ताकि घर में मदद मिल सके। मनोज के भाई को मेयर के मकामी मुर्गी को मारने के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। जब वो इनके मुसाफिरों को बस में सफ़र करने की कोशिश करता है बदउनवान पुलिस अफसरान इन्हें की फंसाने की कोशिश करते हैं। SHO की तरफ से अपने भाई को गोली लगने से बचाने के लिए अपने दादा की रैफल लाने के लिए उकसाने के बाद मनोज इसके बजाय विश्वनाथ के घर पहुंच जाता है जो अपने भाई की जमानत देता है। जब मनोज ये सीखने की दरख्वास्त करता है कि विश्वनाथ जैसा आला अफसर कैसे बनता है तो विश्वनाथ इसे मशवरा देता है कि धोखा दही बंद करो। एक साल बाद मनोज ने धोखा दही के बगैर हर डिवीज़न में होने के बावजूद अपना इम्तिहान में पास किया और DSP बनने के लिए तारीख और हिंदी अदब में बैचलर ऑफ आर्ट्स करने का इंतखाब किया। जब वो गवा अलियार के सरकारी कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए निकलते हैं तो इसके दादी से अपनी सारी बचत देती है लेकिन सो जाने के बाद रास्ते में अपना सारा सामान खो देती है। वो खाली पेट सड़कों पर घूमने लगता है जब इसे एक और ख़बर आती है कि PSC के इम्तहानात रोकने का फैसला किया है क्योंकि हुकूमत के पास नए ओहदेदारों को मुलाजमत देने के लिए फंड कम है। इस एक मुदिया प्रदेश हुकूमत ने अगले 3 सालों के लिए मुदिया प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप से इसका बरास भर्ती डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनने का ख्वाब टूट जाता है। वो इस वक्त तक घूमता रहता है जब तक के बेहोश न हो जाए लेकिन मकामी रेलवे स्टेशन के करीब एक मकामी होटल का मालिक इसे खाना खिलाता है कि PSC वहाँ इसकी मुलाकात प्रीतम पांडे से होती है जो PSC के इम्तिहान में पढ़ने के लिए भी आया था। पांडे का अमीर ठेकेदार बाप इसे फ़ोन करता है इसे दिल्ली में UPSC इम्तिहान की तैयारी करने को कहता है। मनोज बारे में सीखता है और तालीम हासिल करने और IPS ऑफिसर बनने के लिए प्रीतम के साथ दिल्ली जाता है। इसकी मुलाकात गोरी भियात से होती है जो इम्तिहान पास करने की अपनी आखिरी कोशिश कर रही है। मनोज को मुलाजमत के मौके और पढ़ने के लिए जगह फराहम करती है। तहम गोरी भिया अपनी आखिरी कोशिश साफ करने से कासिर है आगे बढ़ने का फैसला करते हुए
गोरीबिया ने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट और हरी स्टार्ट के नाम से एक चाय का स्टॉल खोला और अपनी खिदमत मुफ्त फराहम की। अगले साल मनोज इब्तदाई इम्तिहानात की कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है। गोरीबिया की मदद से वो दोबारा नमोदार होता है और इसे साफ करने का इंतजाम करता है। एक कोचिंग सेंटर के दौरे के दौरान वो मसूरी से ताल्लुक़ रखने वाली शारदा जोशी और उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए हदफ रखती है और वो इससे प्यार करती है। अपनी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद मनोज इस साल भी अपने अहम इम्तिहानात पास करने में नाकाम रहता है। शारदा UPSC से मिलता है। वो इनके साथ इसके इब्तदाई तौर पर बढ़ते हुए ताल्लुकात में एक मुख्तलिफ रुकावट पड़ती है जब अब इसे अपनी हकीकी शनाख्त एक एग्जोनॉटिकल फोरेंसिकल इंजीनियर के बजाय अदब से फारिग अल तहसील के तौर पर मालूम होती है। इसके बाद वो मजीद मेहनत करने का फैसला करता है। हालांकि इसका नतीजा वही निकलता है। वो घर वापस आया और देखा कि इसकी दादी का इंतकाल हो गया है। अब एक मायूस गोरीबिया मनोज को अपने घर ले जाता है और इससे कहता है कि वो अजीब व गरीब काम करना छोड़ दे और अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो देना शुरू करे। वो ऐसा करता है और आखिरकार शारदा की मन से मरकजी इम्तिहानात भी पास कर लेते हैं। इस वक्त के पास पास प्रीतम जो अपने तमाम इम्तिहानात में बार बार फेल हो चुका था मनोज से हसद करता है और इससे UKPSC पास करता है जिसने इस वक्त तक डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए अपने शारदा को कह कर बदनाम करता है कि वो मनोज के साथ सो रही है। इससे इनके रिश्ते में खराबी पैदा होती है लेकिन आखिरकार ये साफ हो जाता है। हालांकि मनोज प्रीतम से बहुत नाराज हो जाता है। इसने पहले ही महसूस करने पर मजबूर कर रहे थे और प्रीतम को मशवरा दिया कि वो अपने वालिद के खिलाफ उठ खड़े हों। UPSC था कि प्रीतम एक रिपोर्टर के तौर पर काम करना चाहता है। हालांकि इसके वालिद इसे मनोज अपना इंटरव्यू देता है और ईमानदारी से तमाम सवालों के जवाब देता है। वो शारदा की तरफ से इससे लिखा गया एक खत पढ़ता है जिसमें इससे शादी करने का कहा गया था। वो खुशी खुशी इंटरव्यू देता है और मुस्कुराना बाहर आ जाता है और मनोज अपना इंटरव्यू देता है। ईमानदारी के साथ मसलों के जवाब भी देता है और 2 महीनों के बाद जब नतीजे का ऐलान किया जाता है तो मनोज को एहसास होता है कि इससे IPS अफसर बनने का रैंक मिल गया है और वो जज्बात से रोने लगता है। 1 साल बाद वो शारदा के साथ रहने के लिए उत्तराखंड में एक आला दर्जे का IPS अफसर बनाता है और मध्य प्रदेश के मंदिर सुवारसूर के पुलिस स्टेशन में DSP दशनाथ सिंह से मिलने जाता है और ISP का शुक्रिया अदा करना चाहता है और वो इससे धोखा तर्क करने की तरकीब देता है और इससे अपना शादी का दावतनामा कार्ड सन्नत पहले तो मनोज को नहीं पहचान सकता लेकिन बाद में पूरी तरह से याद करने की खुशी से भर जाता है। मनोज को अपनी कामयाबी पर गले लगाता है। फिल्म का इख्तिताम इस वक्त होता है जब मनोज अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ अपनी शादी का जश्न मनाता है। आखिरकार
ज़ालमाना और फिसल की तालीमी निज़ाम की लहरों के खिलाफ जीत कर प्रीतम ने रिपोर्टर के तौर पर काम किया और आखिरकार अपना ख्वाब को पूरा कर लिया। यह है जी इस मूवी की स्टोरी जो कि हमने आपको बताई, जिन्हें आपको पसंद आई होगी। 12th Fail यानी कि 12th Fail एक 2023 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की सुहाने उम्री ड्रामा फिल्म है जिसे वनूद चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया और लिखा और हिदायतकारी की। ये मनोज कुमार शर्मा की हकीकी जिंदगी की कहानी के बारे में अनुराग हाटक की 2019 की नामी नान फंक्शन किताब पर मबनी है जिसने इंतहाई इज्जत पर काबू पाकर इंडियन पुलिस सर्विस का अफसर बनाया। इस फिल्म में मध्या शंकर, अनंत वी जोशी, अनोशोमान पश्कर और प्रिया निशो चट्टर जी के साथ वर्कनाथ मैसी टाइटल रोल में है। ये जो मूवी है, इस मूवी की जो बजट है दोस्तों वो है जी 66 करोड़, और ये जो है ना अक्टूबर 2023 को थिएटर में रिलीज हुई। और इस फिल्म की जो पजीराई है, तनकीदी पजारे मिली इसको, वो है जी 20 करोड़ और 27 लाख। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करते आपको नजर आएंगे। वर्कनाथ मैसी बतौर मनोज कुमार शर्मा के रोल में नजर आएंगे, मधा शंकर बतौर शरहा जोशी के रोल में, अंत वी जोशी बतौर प्रीतम पांडे के रोल में, अंशुमान इश्कर बतौर गौरी भैया के रोल में, प्रनिशु चट्टर्जी बतौर DSP देशनाथ सिंह के रोल में, गीत अग्रवाल शर्मा मनोज की मां के तौर पर, अयाश खन्ना मनोज के वालिद के तौर पर, श्रिया जोशी मनोज की दादी के तौर पर, संजय वशुनाई बतौर नेवल, डॉक्टर वकास दियो, कृति बजात खुद विजय कुमार डोगरा बतौर सुंदर रजनी के तौर पर, इसके अलावा पैरी छाबड़ा मनोज की छोटी बहन, दारा चनाए बतौर मिस्टर सोलगी, रिदिका जोशी बतौर तानिया, फासी खान बतौर कृष्ण श्रद्धा के घर का नौकर, राहुल दियो शेट्टी बतौर मिस्टर महा, मनोज के UPSC इंटरव्यू लेने वाले के तौर पर आपको इस मूवी में नजर आएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है। दोस्तों इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है विधु विनोद चोपड़ा, राइटर भी यही है विधु विनोद चोपड़ा, और बेस्ड ऑन 12th Fail बाई अनुराज हाटक की तरफ से। और इस मूवी को जिसने प्रोड्यूस किया है उनका नाम विधु ही है विनोद चोपड़ा, और इसका साथ दे रही है योगेश इसरवार। इस मूवी में मेन किरदार अदा करते आपको नजर आएंगे विक्रनाथ मैसी, मिधा शंकर, अन्नाथ वी जोशी, इसके अलावा अनुशुमान पुष्कर, और इसके अलावा आखिर में जो मेन किरदार अदा करते आपको नजर आएंगे वो होंगी नरेतित बाई अनंत वी जोशी। और सिनेमोग्राफी जिसने इस मूवी की है उनका नाम है रंगराज, और एडिट जिसने किया है उनका नाम है जिस कुमार कोहली, और इसके अलावा विधु विन चोपड़ा भी इनके साथ हैं। म्यूजिक बाई संथम मुनेत्रा, प्रोडक्शन कंपनी विनोद चोपड़ा फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूट बाई जो है ना वो अजीज स्टूडियोज की तरफ से है, और इसकी जो रिलीज डेट है वो 27 अक्टूबर 2023 है। रनिंग टाइम इसका 140 मिनट का है, कह सकते हैं कि ये 2.5 घंटे की मूवी है। और कंट्री इसकी इंडिया है और लैंग्वेज इसकी हिंदी है। इस फिल्म की वो जो लागत आई वो 20 करोड़ की लागत आई, और इसने बॉक्स ऑफिस पर 66.58 करोड़ का बेहतरीन बिजनेस किया। अब मैं आपको इस मूवी की
स्टोरी बताता हूँ, इस मूवी की स्टोरी क्या है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि मूवी देखने का मकसद भी यही स्टोरी होता है कि इस मूवी की स्टोरी क्या है। दोस्तों इस मूवी में आप ये देखेंगे कि डाकू से मुतासर चंबल वादी में पैदा हुए मनोज कुमार शर्मा मेयर के लिए काम करने वाले एक सीधे कलर का बेटा और एक सूबेदार का पोता है जो कार्रवाई में हलाक हो गया। इसके वालिद और दादी दोनों अपने तरीके से इंतहाई ईमानदार हैं और करप्शन पर यकीन नहीं रखते। इस अटल यकीन की वजह से मनोज के वालिद को एक बदउनवान अफसर को मारने पर मुअत्तल कर दिया गया। मनोज अपने 12वीं जमात के फाइनल इम्तिहान के लिए धोखाधड़ी की पर जियां तैयार करता है, जैसा कि इसके तमाम बेच के साथी करते हैं। इंतजाम मकामी MLA के ज़ेर असर होते हैं जो हुक्म देता है कि तमाम तलबा को पास होना चाहिए। तहम नए तब्दील शुदा पुलिस अफसर DSP विश्वनाथ सिंह स्कूल में MLA की कॉलों को नज़रअंदाज करते हैं और हेडमास्टर को गिरफ्तार कर लेते हैं जो बाद में इसे रिश्वत देने की कोशिश करता है। नतीजे के तौर पर मनोज समेत तमाम तलबा इम्तिहान में फेल हो जाते हैं। दरअसल इसके वालिद इसकी मुअत्तली को हाई कोर्ट में चैलेंज करने चाहते हैं और ख़ानदान का बोझ मनोज और इसके बड़े भाई पर छोड़ देते हैं। उन्हें एक सफरी रक्षा इकट्ठा करने और फीस वसूल करने का फैसला किया ताकि घर में मदद मिल सके। मनोज के भाई को मेयर के मकामी मुर्गी को मारने के झूठे इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। जब वो इनके मुसाफिरों को बस में सफ़र करने की कोशिश करता है, बदउनवान पुलिस अफसरान इन्हें भी फंसाने की कोशिश करते हैं। SHO की तरफ से अपने भाई को गोली लगने से बचाने के लिए अपने दादा की राइफल लाने के लिए उकसाने के बाद मनोज इसके बजाय विश्वनाथ के घर पहुंच जाता है जो अपने भाई की जमानत देता है। जब मनोज ये सीखने की दरख्वास्त करता है कि विश्वनाथ जैसा आला अफसर कैसे बनता है, तो विश्वनाथ इसे मशवरा देता है कि धोखा दही बंद करो। एक साल बाद मनोज ने धोखा दही के बगैर थर्ड डिवीजन में होने के बावजूद अपना इम्तिहान पास किया और DSP बनने के लिए तारीफ और हिंदी अदब में बैचलर ऑफ आर्ट्स करने का इंतखाब किया। जब वो गवाह अलियार के सरकारी कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए निकलते हैं तो इसके दादी से अपनी सारी बचत देती है, लेकिन सो जाने के बाद रास्ते में अपना सारा सामान खो देती है। वो खाली पेट सड़कों पर घूमने लगता है जब इसे एक और ख़बर आती है कि PSC के इम्तहान रोकने का फैसला किया है, क्योंकि हुकूमत के पास नए ओहदेदारों को मुलाजमत देने के लिए फंड कम है। इस एक मध्य प्रदेश हुकूमत ने अगले 3 सालों के लिए मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप से इसका बरह रास्त भर्ती डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनने का ख्वाब टूट जाता है। वो इस वक्त तक घूमता रहता है जब तक के बेहोश न हो जाए, लेकिन मकामी रेलवे स्टेशन के करीब एक मकामी होटल का मालिक इसे खाना खिलाता है कि UPSC वहाँ इसकी मुलाकात प्रीतम पांडे से होती है जो PSC के इम्तिहान में पढ़ने के लिए भी आया था। पांडे का अमीर ठेकेदार बाप इसे फ़ोन करता है, इसे दिल्ली में UPSC इम्तिहान की तैयारी करने को कहता है। मनोज बारे में सीखता है और तालीम हासिल करने और IPS ऑफिसर बनने के लिए प्रीतम के साथ दिल्ली जाता है। इसकी मुलाकात गोरी भियात से होती है जो इम्तिहान पास करने की अपनी आखिरी कोशिश कर रही है। मनोज को मुलाजमत के मौके और पढ़ने
के लिए जगह फराहम करती है। हम गोरी दिया अपनी आखिरी कोशिश साफ करने से कासिर है। आगे बढ़ने का फैसला करते हुए गोरी दिया ने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट और हरी स्टार्ट के नाम से एक चाय का स्टॉल खोला और अपनी खिदमत मुफ्त फराहम की। अगले साल मलोच इब्तदाई इम्तिहानात की कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है। गोरी भिया की मदद से वो दोबारा नमोदार होता है और इसे साफ करने का इंतजाम करता है। एक कोचिंग सेंटर के दौरे के दौरान वो मसूरी से ताल्लुक रखने वाली शारदा जोशी और उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए हदफ रखती है और वो इससे प्यार करती है। अपनी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद मनोज इस साल भी अपने अहम इम्तिहानात पास करने में नाकाम रहता है। शारदा UPSC से मिलता है। वो इनके साथ इसके इब्तदाई तौर पर बढ़ते हुए तालुकात में एक मुख्तलिफ रुकावट पड़ती है जब अब इसे अपनी हकीकी शनाख्त एक एग्जोनॉटिकल फोरेंसिकल इंजीनियर के बजाय अदब से फारिग अल तहसील के तौर पर मालूम होती है। इसके बाद वो मजीद मेहनत करने का फैसला करता है। हालांकि इसका नतीजा वही निकलता है। वो घर वापस आया और देखा कि इसकी दादी का इंतकाल हो गया है। अब एक मायूस गोरी भिया मनोज को अपने घर ले जाता है और इससे कहता है कि वो अजीब व गरीब काम करना छोड़ दे और अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो देना शुरू करे। वो ऐसा करता है और आखिरकार शारदा की मदद से मरकजी इम्तिहानात भी पास कर लेते हैं। इस वक्त के पास पास प्रीतम जो अपने तमाम इम्तिहानात में बार बार फेल हो चुका था मनोज से हसद करता है और इससे UKPSC पास करता है जिसने इस वक्त तक डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए अपने शारदा को कहकर बदनाम करता है कि वो मनोज के साथ सो रही है। इससे इनके रिश्ते में खराबी पैदा होती है लेकिन आखिरकार ये साफ हो जाता है। हालांकि मनोज प्रीतम से बहुत नाराज हो जाता है। इसने पहले ही महसूस करने पर मजबूर कर रहे थे और प्रीतम को मशवरा दिया कि वो अपने वालिद के खिलाफ उठ खड़े हों। UPSC था कि प्रीतम एक रिपोर्टर के तौर पर काम करना चाहता है। हालांकि इसके वालिद इसे मनोज अपना इंटरव्यू देता है और ईमानदारी से तमाम सवालों के जवाब देता है। वो शारदा की तरफ से इससे लिखा गया एक खत पढ़ता है जिसमें इससे शादी करने का कहा गया था। वो खुशी खुशी इंटरव्यू देता है और मुस्कुराना बाहर आ जाता है और मनोज अपना इंटरव्यू देता है ईमानदारी के साथ मसलों के जवाब भी देता है। और 2 महीनों के बाद जब नतीजे का ऐलान किया जाता है तो मनोज को एहसास होता है कि इससे IPS अफसर बनने का रैंक मिल गया है और वो जज्बात से रोने लगता है। 1 साल बाद वो शारदा के साथ रहने के लिए उत्तराखंड में एक आला दर्जे का IPS अफसर बनाता है और मध्य प्रदेश के मंदिर सुवारसूर के पुलिस स्टेशन में DSP दशनाथ सिंह से मिलने जाता है और IPS का शुक्रिया अदा करना चाहता है और वो इससे धोखा तर्क करने की तरकीब देता है और इससे अपना शादी का दावतनामा कार्ड सन्नत पहले तो मनोज को नहीं पहचान सकता लेकिन बाद में पूरी तरह से याद करने की खुशी से भर जाता है। मनोज को अपनी कामयाबी पर गले लगाता है। फिल्म का इस वक्त होता है जब मनोज अपने दोस्तों और
खानदान के साथ अपनी शादी का जश्न मनाता है। आखिरकार जालमाना और सलफी तालीमी निज़ाम की लहरों के खिलाफ जीत कर रिप्तम ने रिपोर्टर के तौर पर काम किया और आखिरकार अपना ख्वाब को पूरा कर लिया। यह है जी इस मूवी की स्टोरी जो कि हमने आपको बताई, कि आपको पसंद आई होगी। 12th फेल यानी कि 12वीं फेल एक 2023 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की सुहाने उम्री ड्रामा फिल्म है, जिसे वनूद चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया और लिखा और हिदायतकारी की। ये मनोज कुमार शर्मा की हकीकी जिंदगी की कहानी के बारे में अनुराग फाटक की 2019 की नामी नान फंक्शन किताब पर मबनी है, जिसने इंतहाई इज्जत पर काबू पाकर इंडियन पुलिस सर्विस का अफसर बनाया। इस फिल्म में मध्या शंकर, अनंत वी जोशी, अनोशोमान पश्कर और प्रिया निशो चट्टर जी के साथ वर्कनाथ मैसी टाइटल रोल में है। ये जो मूवी है, इस मूवी की जो बजट है दोस्तों वो है जी 66 करोड़, और ये जो है ना अक्टूबर 2023 को थिएटर में रिलीज हुई। और इस फिल्म की जो पजीराई है, तनकीदी पजारे मिली इसको, वो है जी 20 करोड़ और 27 लाख। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करते आपको नजर आएंगे। वर्कनाथ मैसी बतौर मनोज कुमार शर्मा के रोल में नजर आएंगे, मधा शंकर बतौर शरहा जोशी के रोल में, अंत वी जोशी बतौर प्रीतम पांडे के रोल में, अंशुमान इश्कर बतौर गौरी भैया के रोल में, प्रनिशु चट्टर जी बतौर डी एस पी देशनाथ सिंह के रोल में, गीत अग्रवाल शर्मा मनोज की मां के तौर पर, अयाश खन्ना मनोज के वालिद के तौर पर, श्रिया जोशी मनोज की दादी के तौर पर, संजय पशुनाई बतौर नेवल, डॉक्टर वकास दियो कृति बजात खुद, विजय कुमार डोगरा बतौर सुंदर रजनी के तौर पर, इसके अलावा पैरी छाबरा मनोज की छोटी बहन, दारा चनाए बतौर मिस्टर सोलगी, रिदिका जोशी बतौर तानिया, फासी खान बतौर कृष्ण श्रद्धा के घर का नौकर, राहुल दियो शेट्टी बतौर मिस्टर महा मनोज के UPSC इंटरव्यू लेने वाले के तौर पर आपको इस मूवी में नजर आएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है। दोस्तों इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है विधु विनोद चोपड़ा, राइटर भी यही है विधु विनोद चोपड़ा, और बेस्ड ऑन 12th फेल बाई अनुराज फाटक की तरफ से। और इस मूवी को जिसने प्रोड्यूस किया है उनका नाम विधु ही है विनोद चोपड़ा, और इसका साथ दे रही है योगेश इसरवार। इस मूवी में मेन किरदार अदा करते आपको नजर आएंगे विक्रनाथ मैसी, मिधा शंकर, अन्नाथ वी जोशी, इसके अलावा अनुशुमान पुष्कर, और इसके अलावा आखिर में जो मेन किरदार अदा करते आपको नजर आएंगे वो होंगे जी नरेतित बाई अनंत वी जोशी। और सिनेमेटोग्राफी जिसने इस मूवी की है उनका नाम है रंगराज, और एडिट जिसने किया है उनका नाम है जिसकुवार कोली, और इसके अलावा विधु विन चोपड़ा भी इनके साथ हैं। म्यूजिक बाई संथम मुनेत्रा, प्रोडक्शन कंपनी विनोद चोपड़ा फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूट बाई जो है ना वो अजीज स्टूडियोज की तरफ से है, और इसकी जो रिलीज डेट है वो 27 अक्टूबर 2023 है। रनिंग टाइम इसका 140 मिनट का है, कह सकते हैं कि ये 2.5 घंटे की मूवी है। और कंट्री इसकी इंडिया है और लैंग्वेज इसकी हिंदी है। और इस फिल्म की जो लागत आई वो 20 करोड़ की लागत आई, और इसने बॉक्स ऑफिस पर 66.58 करोड़ का बेहतरीन बिजनेस किया। अब मैं आपको इस मूवी की
स्टोरी बताता हूँ कि इस मूवी की स्टोरी क्या है, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि मूवी देखने का मकसद भी यही स्टोरी होता है कि इस मूवी की स्टोरी क्या है। दोस्तों इस मूवी में आप ये देखेंगे कि डाकू से मुतासर चंबल वादी में पैदा हुए मनोज कुमार शर्मा मेयर के लिए काम करने वाले एक सीधे क्लर्क का बेटा और एक सूबेदार का पोता है, जो कार्रवाई में हलाक हो गया। इसके वालिद और दादी दोनों अपने तरीके से इंतहाई ईमानदार हैं और करप्शन पर यकीन नहीं रखते। इस अटल यकीन की वजह से मनोज के वालिद को एक बदउनवान अफसर को मारने पर मुअत्तल कर दिया गया। मनोज अपने 12वीं जमात के फाइनल इम्तिहान के लिए धोखाधड़ी की पर्चियां तैयार करता है, जैसा कि इसके तमाम बैच के साथी करते हैं। इंतजाम मकामी MLA के ज़ेर असर होते हैं, जो हुक्म देता है कि तमाम तलबा को पास होना चाहिए। तहम नए तब्दील शुदा पुलिस अफसर DSP विश्वनाथ सिंह स्कूल में MLA की कॉलों को नज़रअंदाज करते हैं और हेडमास्टर को गिरफ्तार कर लेते हैं, जो बाद में इसे रिश्वत देने की कोशिश करता है। नतीजे के तौर पर मनोज समेत तमाम तलबा इम्तिहान में फेल हो जाते हैं। इसना इसके वालिद इसकी मुतली को हाई कोर्ट में चैलेंज करने चाहते हैं और ख़ानदान का बोझ मनोज और इसके बड़े भाई पर छोड़ देते हैं। भाइयों ने एक सफरी रक्षा इकट्ठा करने और फीस वसूल करने का फैसला किया ताकि घर में मदद मिल सके। मनोज के भाई को मेयर के मकामी मुर्गी को मारने के झूठे इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। जब वो इनके मुसाफिरों को बस में सफ़र करने की कोशिश करता है, बदउनवान पुलिस अफसरान इन्हें भी फंसाने की कोशिश करते हैं। SHO की तरफ से अपने भाई को गोली लगने से बचाने के लिए अपने दादा की राइफल लाने के लिए उकसाने के बाद मनोज इसके बजाय विश्वनाथ के घर पहुंच जाता है, जो अपने भाई की जमानत देता है। जब मनोज ये सीखने की दरख्वास्त करता है कि विश्वनाथ जैसा आला अफसर कैसे बनता है, तो विश्वनाथ इसे मशवरा देता है कि धोखादही बंद करो। एक साल बाद मनोज ने धोखादही के बगैर हर डिवीज़न में होने के बावजूद अपना इम्तिहान पास किया और DSP बनने के लिए तारीफ और हिंदी अदब में बैचलर ऑफ आर्ट्स करने का इंतखाब किया। जब वो गवा अलियार के सरकारी कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए निकलते हैं, तो इसके दादी से अपनी सारी बचत देती है, लेकिन सो जाने के बाद रास्ते में अपना सारा सामान खो देती है। वो खाली पेट सड़कों पर घूमने लगता है, जब इसे एक और ख़बर आती है कि PSC के इम्तहानात रोकने का फैसला किया है, क्योंकि हुकूमत के पास नए ओहदेदारों को मुलाजमत देने के लिए फंड कम है। इस एक मध्य प्रदेश हुकूमत ने अगले 3 सालों के लिए मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप से इसका बरास भर्ती डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनने का ख्वाब टूट जाता है। वो इस वक्त तक घूमता रहता है जब तक के बेहोश न हो जाए, लेकिन मकामी रेलवे स्टेशन के करीब एक मकामी होटल का मालिक इसे खाना खिलाता है कि UPSC वहां इसकी मुलाकात प्रीतम पांडे से होती है, जो PSC के इम्तिहान में पढ़ने के लिए भी आया था। पांडे का अमीर ठेकेदार बाप इसे फ़ोन करता है, इसे दिल्ली में UPSC इम्तिहान की तैयारी करने को कहता है। मनोज बारे में सीखता है और तालीम हासिल करने और IPS ऑफिसर बनने के लिए प्रीतम के साथ दिल्ली जाता है। इसकी मुलाकात गोरी भियात से होती है, जो इम्तिहान पास करने की अपनी आखिरी कोशिश कर रही है। मनोज को मुलाजमत के मौके और पढ़ने
के लिए जगह फराहम करती है। तहम गोरी भिया अपनी आखिरी कोशिश साफ करने से कासिर है। आगे बढ़ने का फैसला करते हुए गोरी भिया ने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट और हरी स्टार्ट के नाम से एक चाय का स्टॉल खोला और अपनी खिदमत मुफ्त फराहम की। अगले साल मनोज इब्तदाई इम्तिहानात की कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है। गोरी भिया की मदद से वो दोबारा नमोदार होता है और इसे साफ करने का इंतज़ाम करता है। एक कोचिंग सेंटर के दौरे के दौरान वो मसूरी से ताल्लुक रखने वाली शरदा जोशी और उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए हदफ रखती है और वो इससे प्यार करती है। अपनी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद मनोज इस साल भी अपने अहम इम्तिहानात पास करने में नाकाम रहता है। शरदा UPSC से मिलता है। वो इनके साथ इसके इब्तदाई तौर पर बढ़ते हुए ताल्लुकात में एक मुख्तलिफ रुकावट पड़ती है जब अब इसे अपनी हकीकी शनाख्त एक एग्जोनॉटिकल फोरेंसिकल इंजीनियर के बजाय अदब से फारिग अल-तहसील के तौर पर मालूम होती है। इसके बाद वो मजीद मेहनत करने का फैसला करता है। हालांकि इसका नतीजा वही निकलता है। वो घर वापस आया और देखा कि इसकी दादी का इंतकाल हो गया है। अब एक मायूस गोरी भिया मनोज को अपने घर ले जाता है और इससे कहता है कि वो अजीब और गरीब काम करना छोड़ दे और अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो देना शुरू करे। वो ऐसा करता है और आखिरकार शरदा की मदद से मरकजी इम्तिहानात भी पास कर लेते हैं। इस वक्त के पास पास प्रीतम जो अपने तमाम इम्तिहानात में बार बार फेल हो चुका था मनोज से हसद करता है और इसे UKPSC पास करता है। इसने इस वक्त तक डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए अपने शरदा को कह कर बदनाम करता है कि वो मनोज के साथ सो रही है। इससे इनके रिश्ते में खराबी पैदा होती है लेकिन आखिरकार ये साफ हो जाता है। हालांकि मनोज प्रीतम से बहुत नाराज हो जाता है। इसने पहले ही महसूस करने पर मजबूर कर रहे थे और प्रीतम को मशवरा दिया कि वो अपने वालिद के खिलाफ उठ खड़े हों। UPSC था कि प्रीतम एक रिपोर्टर के तौर पर काम करना चाहता है। हालांकि इसके वालिद इसे मनोज अपना इंटरव्यू देता है और ईमानदारी से तमाम सवालों के जवाब देता है। वो शरदा की तरफ से इससे लिखा गया एक खत पढ़ता है जिसमें इससे शादी करने का कहा गया था। वो खुशी खुशी इंटरव्यू देता है और मुस्कुराना बाहर आ जाता है और मनोज अपना इंटरव्यू देता है ईमानदारी के साथ मसलों के जवाब भी देता है। और 2 महीनों के बाद जब नतीजे का ऐलान किया जाता है तो मनोज को एहसास होता है कि इससे IPS अफसर बनने का रैंक मिल गया है और वो जज्बात से रोने लगता है। 1 साल बाद वो शरदा के साथ रहने के लिए उत्तराखंड में एक आला दर्जे का IPS अफसर बनाता है और मध्य प्रदेश के मंदर सुवारसूर के पुलिस स्टेशन में DSP दशनाथ सिंह से मिलने जाता है और ISP का शुक्रिया अदा करना चाहता है और वो इससे धोखा तर्क करने की तरगीब देता है और इससे अपना शादी का दावतनामा कार्ड सनत पहले तो मनोज को नहीं पहचान सकता लेकिन बाद में पूरी तरह से याद करने की खुशी से भर जाता है। मनोज को अपनी कामयाबी पर गले लगाता है। फिल्म इस वक्त होता है जब मनोज अपने दोस्तों और
खानदान के साथ अपनी शादी का जश्न मनाता है। आखिरकार जालमाना और इसल की तालीमी निज़ाम की लहरों के खिलाफ जीत कर प्रीतम ने रिपोर्टर के तौर पर काम किया और आखिरकार अपना ख्वाब को पूरा कर लिया। यह है जी इस मूवी की स्टोरी जो कि हमने आपको बताई थी, आपको पसंद आई होगी। 12th फेल यानी कि 12वीं फेल एक 2023 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की सुहाने उम्री ड्रामा फिल्म है, जिसे वनूद चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया और लिखा और हिदायतकारी की। ये मनोज कुमार शर्मा की हकीकी जिंदगी की कहानी के बारे में अनुराग हाटक की 2019 की नामी नान फंक्शन किताब पर मबनी है, जिसने इंतहाई इज्जत पर काबू पाकर इंडियन पुलिस सर्विस का अफसर बनाया। इस फिल्म में मध्या शंकर, अनंत वी जोशी, अनोशोमान पश्कर और प्रिया निशो चट्टर जी के साथ वर्कनाथ मैसी टाइटल रोल में है। ये जो मूवी है, इस मूवी की जो बजट है दोस्तों वो है जी 66 करोड़, और ये जो है ना अक्टूबर 2023 को थिएटर में रिलीज हुई। और इस फिल्म की जो पजीराई है, तनकीदी पजारे मिली इसको, वो है जी 20 करोड़ और 27 लाख। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करते आपको नजर आएंगे। वर्कनाथ मैसी बतौर मनोज कुमार शर्मा के रोल में नजर आएंगे। मधा शंकर बतौर शरहा जोशी के रोल में, आंत वी जोशी बतौर प्रीतम पांडे के रोल में, अंशु मान इश्कर बतौर गोरी भैया के रोल में, परनिशु चट्टर्जी बतौर DSP देशनाथ सिंह के रोल में, गीत अग्रवाल शर्मा मनोज की मां के तौर पर, अरियाश खन्ना मनोज के वालिद के तौर पर, श्रिया जोशी मनोज की दादी के तौर पर, संजय वशुनाई बतौर नेवल, डॉक्टर वकास दियो, कृति बजात खुद विजय कुमार डोगरा बतौर सुंदर रजनी के तौर पर, इसके अलावा पैरी छाबड़ा मनोज की छोटी बहन, दारा चनाए बतौर मिस्टर सोलगी, रिदिका जोशी बतौर तानिया, फासी खान बतौर कृष्ण श्रद्धा के घर का नौकर, राहुल दियो शेट्टी बतौर मिस्टर महा मनोज के UPSC इंटरव्यू लेने वाले के तौर पर आपको इस मूवी में नजर आएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है। दोस्तों इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है विधु विनोद चोपड़ा। राइटर भी यही है विधु विनोद चोपड़ा, और बेस्ड ऑन 12th फेल बाई अनुराज आटक की तरफ से। और इस मूवी को जिसने प्रोड्यूस किया है उनका नाम विधु ही है विनोद चोपड़ा, और इसका साथ दे रही है योगेश इसरवार। इस मूवी में मेन किरदार अदा करते आपको नजर आएंगे विक्रनाथ मैसी, मिधा शंकर, अन्नाथ वी जोशी, इसके अलावा अनुशुमान पुष्कर, और इसके अलावा आखिर में जो मेन किरदार अदा करते आपको नजर आएंगे वो होंगे नरेतित बाई अनंत वी जोशी। और सिनेमेटोग्राफी जिसने इस मूवी की है उनका नाम है रंगराज, और एडिट जिसने किया है उनका नाम है जिसकुवार कोहली। और इसके अलावा विधु विम चोपड़ा भी इनके साथ हैं। म्यूजिक बाई संथम मुनेत्रा, प्रोडक्शन कंपनी विनोद चोपड़ा फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूट बाई जो है ना वो अजीज स्टूडियोज की तरफ से है, और इसकी जो रिलीज डेट है वो 27 अक्टूबर 2023 है। रनिंग टाइम इसका 140 मिनट का है। कह सकते हैं कि ये 2.5 घंटे की मूवी है। और कंट्री इसकी इंडिया है और लैंग्वेज इसकी हिंदी है। और इस फिल्म की जो लागत आई वो 20 करोड़ की लागत आई, और इसने बॉक्स ऑफिस पर 66.58 करोड़ का बेहतरीन बिजनेस किया। अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी बताता हूँ कि इस मूवी की स्टोरी क्या है, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार है
क्योंकि मूवी देखने का मकसद भी यही स्टोरी होता है कि इस मूवी की स्टोरी क्या है। दोस्तों मूवी इस मूवी में आप ये देखेंगे कि डाकू से मुतासर चंबल वादी में पैदा हुए मनोज कुमार शर्मा मेयर के लिए काम करने वाले एक सीधे क्लर्क का बेटा और एक सूबेदार का पोता है जो कार्रवाई में हलाक हो गया। इसके वालिद और दादी दोनों अपने तरीके से इंतहाई ईमानदार हैं और करप्शन पर यकीन नहीं रखते। इस अटल यकीन की वजह से मनोज के वालिद को एक बदउनवान अफसर को मारने पर मुअत्तल कर दिया गया। मनोज अपने 12वीं जमात के फाइनल इम्तिहान के लिए धोखाधड़ी की पर्चियां तैयार करता है जैसा कि इसके तमाम बैच के साथी करते हैं। इंतजाम मकामी MLA के ज़े असर होते हैं जो हुक्म देता है कि तमाम तलबा को पास होना चाहिए। तहम नए तब्दील शुदा पुलिस अफसर DSP विश्वनाथ सिंह स्कूल में MLA की कॉलों को नज़रअंदाज करते हैं और हेडमास्टर को गिरफ्तार कर लेते हैं जो बाद में इसे रिश्वत देने की कोशिश करता है। नतीजे के तौर पर मनोज समेत तमाम तलबा इम्तिहान में फेल हो जाते हैं। दरअसल इसके वालिद इसकी मुअत्तली को हाई कोर्ट में चैलेंज करने चाहते हैं और ख़ानदान का बोझ मनोज और इसके बड़े भाई पर छोड़ देते हैं। भाइयों ने एक सफरी रक्षा इकट्ठा करने और फीस वसूल करने का फैसला किया ताकि घर में मदद मिल सके। मनोज के भाई को मेयर के मकामी मुर्गी को मारने के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। जब वो इनके मुसाफिरों को बस में सफर करने की कोशिश करता है बदउनवान पुलिस अफसरान इन्हें भी फंसाने की कोशिश करते हैं। SHO की तरफ से अपने भाई को गोली लगने से बचाने के लिए अपने दादा की राइफल लाने के लिए उकसाने के बाद मनोज इसके बजाय विश्वनाथ के घर पहुंच जाता है जो अपने भाई की जमानत देता है। जब मनोज ये सीखने की दरख्वास्त करता है कि विश्वनाथ जैसा आला अफसर कैसे बनता है तो विश्वनाथ इसे मशवरा देता है कि धोखा दही बंद करो। एक साल बाद मनोज ने धोखा दही के बगैर हर डिवीज़न में होने के बावजूद अपना इम्तिहान पास किया और DSP बनने के लिए तारीख और हिंदी अदब में बैचलर ऑफ आर्ट्स करने का इंतखाब किया। जब वो गवा अलियार के सरकारी कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए निकलते हैं तो इसके दादी से अपनी सारी बचत देती है लेकिन सो जाने के बाद रास्ते में अपना सारा सामान खो देती है। वो खाली पेट सड़कों पर घूमने लगता है जब इसे एक और ख़बर आती है कि PSC के इम्तहानात रोकने का फैसला किया है क्योंकि हुकूमत के पास नए ओहदेदारों को मुलाजमत देने के लिए फंड कम है। इस एक मुदिया प्रदेश हुकूमत ने अगले 3 सालों के लिए मुदिया प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप से इसका बरास भर्ती डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनने का ख्वाब टूट जाता है। वो इस वक्त तक घूमता रहता है जब तक के बेहोश न हो जाए लेकिन मकामी रेलवे स्टेशन के करीब एक मकामी होटल का मालिक इसे खाना खिलाता है कि UPSC वहां इसकी मुलाकात प्रीतम पांडे से होती है जो PSC के इम्तिहान में पढ़ने के लिए भी आया था। पांडे का अमीर ठेकेदार बाप इसे फोन करता है इसे दिल्ली में UPSC इम्तिहान की तैयारी करने को कहता है। मनोज बारे में सीखता है और तालीम हासिल करने और IPS ऑफिसर बनने के लिए प्रीतम के साथ दिल्ली जाता है। इसकी मुलाकात गोरी भियात से होती है जो इम्तिहान पास करने की अपनी आखिरी कोशिश कर रही है। मनोज को मुलाजमत के मौके और पढ़ने के लिए जगह फराहम करती है। तहम गोरी भिया अपनी आखिरी कोशिश
साफ करने से कासिर है। आगे बढ़ने का फैसला करते हुए गोरीबिया ने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट और हरी स्टार्ट के नाम से एक चाय का स्टॉल खोला और अपनी खिदमत मुफ्त फराहम की। अगले साल मनोज इब्तदाई इम्तिहानात की कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है। गोरीबिया की मदद से वो दोबारा नमोदार होता है और इसे साफ करने का इंतजाम करता है। एक कोचिंग सेंटर के दौरे के दौरान वो मसूरी से ताल्लुक़ रखने वाली शरदा जोशी और उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए हदफ रखती है और वो इससे प्यार करती है। अपनी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद मनोज इस साल भी अपने अहम इम्तिहानात पास करने में नाकाम रहता है। शरदा UPSC से मिलता है। वो इनके साथ इसके इब्तदाई तौर पर बढ़ते हुए ताल्लुकात में एक मुख्तलिफ रुकावट पड़ती है जब अब इसे अपनी हकीकी शनाख्त एक एग्जोनॉटिकल फोरेंसिकल इंजीनियर के बजाय अदब से फारिग अल-तहसील के तौर पर मालूम होती है। इसके बाद वो मजीद मेहनत करने का फैसला करता है। हालांकि इसका नतीजा वही निकलता है। वो घर वापस आया और देखा कि इसकी दादी का इंतकाल हो गया है। अब एक मायूस गोरीबिया मनोज को अपने घर ले जाता है और इससे कहता है कि वो अजीब व गरीब काम करना छोड़ दे और अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो देना शुरू करे। वो ऐसा करता है और आखिरकार शरदा की मन से मरकजी इम्तिहानात भी पास कर लेते हैं। इस वक्त के पास पास रितम जो अपने तमाम इम्तिहानात में बार बार फेल हो चुका था मनोज से हसद करता है और इससे UKPSC पास करता है जिसने इस वक्त तक डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए अपने शरदा को कहकर बदनाम करता है कि वो मनोज के साथ सो रही है। इससे इनके रिश्ते में खराबी पैदा होती है लेकिन आखिरकार ये साफ हो जाता है हालांकि मनोज प्रीतम से बहुत नाराज हो जाता है। इसने पहले ही महसूस करने पर मजबूर कर रहे थे और प्रीतम को मशवरा दिया कि वो अपने वालिद के खिलाफ उठ खड़े हों। UPSC था कि प्रीतम एक रिपोर्टर के तौर पर काम करना चाहता है। हालांकि इसके वालिद इसे मनोज अपना इंटरव्यू देता है और ईमानदारी से तमाम सवालों के जवाब देता है। वो शरदा की तरफ से इससे लिखा गया एक खत पढ़ता है जिसमें इससे शादी करने का कहा गया था। वो खुशी खुशी इंटरव्यू देता है और मुस्कुराना बाहर आ जाता है और मनोज अपना इंटरव्यू देता है। ईमानदारी के साथ मसलों के जवाब भी देता है। दो महीनों के बाद जब नतीज का ऐलान किया जाता है तो मनोज को एहसास होता है कि इससे IPS अफसर बनने का रैंक मिल गया है और वो जज्बात से होने लगता है। एक साल बाद वो शरदा के साथ रहने के लिए उत्तराखंड में एक आला दर्जे का IPS अफसर बनाता है और मध्य प्रदेश के मंदिर सुवारसूर के पुलिस स्टेशन में DSP दशनाथ सिंह से मिलने जाता है और ISP का शुक्रिया अदा करने जाता है और वो इससे धोखा तर्क करने की तरकीब देता है और इससे अपना शादी का दावतनामा कार्ड सुन्नत पहले तो मनोज को नहीं पहचान सकता लेकिन बाद में पूरी तरह से याद करने की खुशी से भर जाता है। मनोज को अपनी कामयाबी पर गले लगाता है। फिल्म अहतमाम इस वक्त होता है जब मनोज अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ अपनी शादी का जश्न मनाता है। आखिरकार जालमाना और
इस सल्की तालीमी निज़ाम की लहरों के खिलाफ जीत कर प्रीतम ने रिपोर्टर के तौर पर काम किया और आखिरकार अपना ख्वाब को पूरा कर लिया। ये है जी इस मूवी की स्टोरी जो कि हमने आपको बताई, कि आपको पसंद आई होगी। 12th फेल यानी कि 12वीं फेल एक 2023 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की सुहाने उम्री ड्रामा फिल्म है, जिसे वनूद चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया और लिखा और हिदायतकारी की। ये मनोज कुमार शर्मा की हकीकी जिंदगी की कहानी के बारे में अनुराग हाटक की 2019 की नामी नान फंक्शन किताब पर मबनी है, जिसने इंतहाई इज्जत पर काबू पाकर इंडियन पुलिस सर्विस का अफसर बनाया। इस फिल्म में मध्या शंकर, अनंत वी जोशी, अनोशोमान पश्कर और प्रिया निशो चट्टर जी के साथ वर्कनाथ मैसी टाइटल रोल में है। ये जो मूवी है, इस मूवी की जो बजट है दोस्तों वो है जी 66 करोड़, और ये जो है ना अक्टूबर 2023 को थिएटर में रिलीज़ हुई। और इस फिल्म की जो पजीराई है, तनकीदी पजारे मिली इसको, वो है जी 20 करोड़ 27 लाख। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करते आपको नजर आएंगे। वर्कनाथ मैसी बतौर मनोज कुमार शर्मा के रोल में नजर आएंगे, मधा शंकर बतौर शरहा जोशी के रोल में, आंत वी जोशी बतौर प्रीतम पांडे के रोल में, अंशु मान इश्कर बतौर गौरी भैया के रोल में, वनिशु चट्टर जी बतौर DSP देशनाथ सिंह के रोल में, गीत अग्रवाल शर्मा मनोज की मां के तौर पर, अयाश अन्ना मनोज के वालिद के तौर पर, श्रिया जोशी मनोज की दादी के तौर पर, संजय वशुनाई बतौर नेवल, डॉक्टर वकास दियो, कृति रजात खुद विजय कुमार डोगरा बतौर सुंदर रजनी के तौर पर, इसके अलावा पैरी छाबरा मनोज की छोटी बहन, दारा चनाए बतौर मिस्टर सोलगी, रिदिका जोशी बतौर तानिया, फासी खान बतौर कृष्ण श्रद्धा के घर का नौकर, राहुल दियो शेट्टी बतौर मिस्टर महा, मनोज के UPSC इंटरव्यू लेने वाले के तौर पर आपको इस मूवी में नजर आएंगे। अब मैं आपको बता दूँ कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है। दोस्तों इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है विधु विनोद चोपड़ा, राइटर भी यही है विधु विनोद चोपड़ा, और बेस्ड ऑन 12th फेल बाई अनुराज आटक की तरफ से। और इस मूवी को जिसने प्रोड्यूस किया है उनका नाम विधु ही है विनोद चोपड़ा, और इसका साथ दे रही है योगेश किसरवार। इस मूवी में मेन किरदार अदा करते आपको नजर आएंगे विक्रनाथ मैसी, मिधा शंकर, अनाथ वी जोशी, इसके अलावा अनुशुमान पुष्कर, और इसके अलावा आखिर में जो मेन किरदार अदा करते आपको नजर आएंगे वो होंगी निरेतित बाई अनंत वी जोशी। और सिनेमेटोग्राफी जिसने इस मूवी की है उनका नाम है रंगराज, और एडिट जिसने किया है उनका नाम है जिसकुवार कोहली, और इसके अलावा विधु विन चोपड़ा भी इनके साथ हैं। म्यूजिक बाई संथम मुनेत्रा, प्रोडक्शन कंपनी विनोद चोपड़ा फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूट बाई जो है ना वो अजीज स्टूडियोज की तरफ से है, और इसकी जो रिलीज डेट है वो 27 अक्टूबर 2023 है। रनिंग टाइम इसका 140 मिनट का है, कह सकते हैं कि ये 2.5 घंटे की मूवी है। और कंट्री इसकी इंडिया है और लैंग्वेज इसकी हिंदी है। और इस फिल्म की जो लागत आई वो 20 करोड़ की लागत आई, और इसने बॉक्स ऑफिस पर 66.58 करोड़ का बेहतरीन बिजनेस किया। अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी बताता हूँ कि इस मूवी की स्टोरी क्या है, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि मूवी देखने का मकसद भी यही स्टोरी होता है कि इस मूवी की स्टोरी क्या है। दोस्तों
इस मूवी में आप ये देखेंगे कि डाकू से मुतासर चंबल वादी में पैदा हुए मनोज कुमार शर्मा मेयर के लिए काम करने वाले एक सीधे कलर का बेटा और एक सूबेदार का पोता है जो कार्रवाई में हलाक हो गया। इसके वालिद और दादी दोनों अपने तरीके से इंतहाई ईमानदार हैं और करप्शन पर यकीन नहीं रखते। इस अटल यकीन की वजह से मनोज के वालिद को एक बदउनवान अफसर को मारने पर मुअत्तल कर दिया गया। मनोज अपने 12वीं जमात के फाइनल इम्तिहान के लिए धोखा भी की पर चियां तैयार करता है जैसा कि इसके तमाम बीच के साथी करते हैं। इंतजाम मकामी MLA के जे असर होते हैं जो हुक्म देता है कि तमाम तलबा को पास होना चाहिए। तहम नए तब्दील शुदा पुलिस अफसर DSP विश्वनाथ सिंह स्कूल में MLA की कॉलों को नज़रअंदाज करते हैं और हेडमास्टर को गिरफ्तार कर लेते हैं जो बाद में इसे रिश्वत देने की कोशिश करता है। नतीजे के तौर पर मनोज समेत तमाम तलबा इम्तिहान में फेल हो जाते हैं। दरअसल इसके वालिद इसकी मुअत्तली को हाई कोर्ट में चैलेंज करने चाहते हैं और ख़ानदान का बोझ मनोज और इसके बड़े भाई पर छोड़ देते हैं। भाइयों ने एक सफरी रक्षा इकट्ठा करने और फीस वसूल करने का फैसला किया ताकि घर में मदद मिल सके। मनोज के भाई को मेयर के मकामी मुर्गी को मारने के झूठे इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। जब वो इनके मुसाफिरों को बस में सफ़र करने की कोशिश करता है बदउनवान पुलिस अफसरान इन्हें भी फंसाने की कोशिश करते हैं। SHO की तरफ से अपने भाई को गोली लगने से बचाने के लिए अपने दादा की राइफल लाने के लिए उकसाने के बाद मनोज इसके बजाय विश्वनाथ के घर पहुंच जाता है जो अपने भाई की जमानत देता है। जब मनोज ये सीखने की दरख्वास्त करता है कि विश्वनाथ जैसा आला अफसर कैसे बनता है तो विश्वनाथ इसे मशवरा देता है कि धोखा दही बंद करो। एक साल बाद मनोज ने धोखा दही के बगैर थर्ड डिवीज़न में होने के बावजूद अपना इम्तिहान पास किया और DSP बनने के लिए तारीख और हिंदी अदब में बैचलर ऑफ आर्ट्स करने का इंतखाब किया। जब वो गवा अलियार के सरकारी कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए निकलते हैं तो इसके दादी से अपनी सारी बचत देती है लेकिन सो जाने के बाद रास्ते में अपना सारा सामान खो देती है। वो खाली पेट सड़कों पर घूमने लगता है जब इसे एक और ख़बर आती है कि PSC के इम्तिहानात रोकने का फैसला किया है क्योंकि हुकूमत के पास नए ओहदेदारों को मुलाजमत देने के लिए फंड कम है। इस एक मुदिया प्रदेश हुकूमत ने अगले 3 सालों के लिए मुदिया प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप से इसका बरह रास्त भर्ती डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनने का ख्वाब टूट जाता है। वो इस वक्त तक घूमता रहता है जब तक के बेहोश न हो जाए लेकिन मकामी रेलवे स्टेशन के करीब एक मकामी होटल का मालिक इसे खाना खिलाता है कि UPSC वहां इसकी मुलाकात प्रीतम पांडे से होती है जो PSC के इम्तिहान में पढ़ने के लिए भी आया था। पांडे का अमीर ठेकेदार बाप इसे फोन करता है इसे दिल्ली में UPSC इम्तिहान की तैयारी करने को कहता है। मनोज बारे में सीखता है और तालीम हासिल करने और IPS ऑफिसर बनने के लिए प्रीतम के साथ दिल्ली जाता है। इसकी मुलाकात गोरी भियात से होती है जो इम्तिहान पास करने की अपनी आखिरी कोशिश कर रही है। मनोज को मुलाजमत के मौके और पढ़ने के लिए जगह फराहम करती है। तहम गोरी भिया अपनी आखिरी कोशिश साफ करने से कासिर है। आगे बढ़ने का फैसला करते हुए
गोरीबिया ने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट और हरी स्टार्ट के नाम से एक चाय का स्टॉल खोला और अपनी खिदमत मुफ्त फराहम की। अगले साल मनोज इब्तदाई इम्तिहानात की कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है। गोरीबिया की मदद से वो दोबारा नमोदार होता है और इसे साफ करने का इंतजाम करता है। एक कोचिंग सेंटर के दौरे के दौरान वो मसूरी से ताल्लुक रखने वाली शारदा जोशी और उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए हदफ रखती है और वो इससे प्यार करती है। अपनी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद मनोज इस साल भी अपने अहम इम्तिहानात पास करने में नाकाम रहता है। शारदा UPSC से मिलता है। वो इनके साथ इसके इब्तदाई तौर पर बढ़ते हुए ताल्लुकात में एक मुख्तलिफ रुकावट पड़ती है जब अब इसे अपनी हकीकी शनाख्त एक एग्जोनॉटिकल फोरेंसिकल इंजीनियर के बजाय अदब से फारिग अल तहसील के तौर पर मालूम होती है। इसके बाद वो मजीद मेहनत करने का फैसला करता है। हालांकि इसका नतीजा वही निकलता है। वो घर वापस आया और देखा कि इसकी दादी का इंतकाल हो गया है। अब एक मायूस गोरीबिया मनोज को अपने घर ले जाता है और इससे कहता है कि वो अजीब व गरीब काम करना छोड़ दे और अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो देना शुरू करे। वो ऐसा करता है और आखिरकार शारदा की मन से मरकजी इम्तिहानात भी पास कर लेते हैं। इस वक्त के पास पास प्रीतम, जो अपने तमाम इम्तिहानात में बार बार फेल हो चुका था, मनोज से हसद करता है और इससे UKPSC पास करता है, जिसने इस वक्त तक डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए अपने शारदा को कह कर बदनाम करता है कि वो मनोज के साथ सो रही है। इससे इनके रिश्ते में खराबी पैदा होती है लेकिन आखिरकार ये साफ हो जाता है। हालांकि मनोज प्रीतम से बहुत नाराज हो जाता है। इसने पहले ही महसूस करने पर मजबूर कर रहे थे और प्रीतम को मशवरा दिया कि वो अपने वालिद के खिलाफ उठ खड़े हों। UPSC था कि प्रीतम एक रिपोर्टर के तौर पर काम करना चाहता है। हालांकि इसके वालिद इसे मनोज अपना इंटरव्यू देता है और ईमानदारी से तमाम सवालों के जवाब देता है। वो शारदा की तरफ से इससे लिखा गया एक खत पढ़ता है जिसमें इससे शादी करने का कहा गया था। वो खुशी खुशी इंटरव्यू देता है और मुस्कुराना बाहर आ जाता है और मनोज अपना इंटरव्यू देता है। ईमानदारी के साथ मसलों के जवाब भी देता है। और 2 महीनों के बाद जब नतीजा का ऐलान किया जाता है तो मनोज को एहसास होता है कि इससे IPS अफसर बनने का रैंक मिल गया है और वो जज्बात से होने लगता है। 1 साल बाद वो शारदा के साथ रहने के लिए उत्तराखंड में एक आला दर्जे का IPS अफसर बनाता है और मध्य प्रदेश के मंदिर सुवारसूर के पुलिस स्टेशन में DSP दशनाथ सिंह से मिलने जाता है और IPS का शुक्रिया अदा करना चाहता है और वो इससे धोखा तर्क करने की तरगीब देता है और इससे अपना शादी का दावतनामा कार्ड सन्नत पहले तो मनोज को नहीं पहचान सकता लेकिन बाद में पूरी तरह से याद करने की खुशी से भर जाता है। मनोज को अपनी कामयाबी पर गले लगाता है। फिल्म इतना इस वक्त होता है जब मनोज अपने दोस्तों और खानदान के साथ अपनी शादी का जश्न मनाता है। आखिरकार
ظالمانہ اور اسل کی تعلیمی نظام کی لہروں کے خلاف جیت کر رستم نے رپورٹر کے طور پر کام کیا اور آخر کار اپنا خواب کو پورا کر لیا۔ یہ ہے جی اس مووی کی سٹوری جو کہ ہم نے آپ کو بتائی، یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ 12th fail یعنی کہ 12th fail 1 2023 کی ہندوستانی ہندی زبان کی سوانح عمری ڈرامہ فلم ہے جسے ونود چوپرا نے پروڈیوس کیا اور لکھا اور ہدایت کاری کی۔ یہ منوج کمار شرما کی حقیقی زندگی کی کہانی کے بارے میں انوراگ پھاٹک کی 2019 کی نامی نان فنکشن کتاب پر مبنی ہے، جس نے انتہائی عزت پر قابو پا کر انڈین پولیس سروس کا افسر بنایا۔ اس فلم میں مدھیا شنکر، انت وی جوشی، انوشو مان پشکر اور پریا نشو چٹر جی کے ساتھ ورکنات میسی ٹائٹل رول میں ہے۔ یہ جو مووی ہے، اس مووی کی جو بجٹ ہے دوستو وہ ہے جی 66 کروڑ، اور یہ جو ہے نا اکتوبر 2023 کو تھیٹر میں ریلیز ہوئی۔ اور اس فلم کی جو پذیرائی ہے، تنقیدی پذیرائی ملی اس کو، وہ ہے جی 20 کروڑ 27 لاکھ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس مووی میں کون کیا کردار ادا کرتے آپ کو نظر آئے گا۔ ورکناتھ میسی بطور منوج کمار شرما کے رول میں نظر آئیں گے، مدھا شنکر بطور شرحا جوشی کے رول میں، آنت وی جوشی بطور پریتم پانڈے کے رول میں، انشو مان اشکر بطور گوری بھیا کے رول میں، پرنیشو چٹر جی بطور ڈی ایس پی دیشناتھ سنگھ کے رول میں، گیت اگروال شرما منوج کی ماں کے طور پر، عیاش انا منوج کے والد کے طور پر، سریا جوشی منوج کی دادی کے طور پر، سنجے وشنائی بطور نیول، ڈاکٹر وکاس دیو، کرتی بذات خود وجے کمار ڈوگرا بطور سندر رجنی کے طور پر، اس کے علاوہ پیری چھابڑا منوج کی چھوٹی بہن، دارا چنائے بطور مسٹر سولگی، ریدیکا جوشی بطور تانیا، فاسی خان بطور کشن شردا کے گھر کا نوکر، راہل دیو شیٹی بطور مسٹر مہا منوج کے یو پی ایس سی انٹرویو لینے والے کے طور پر آپ کو اس مووی میں نظر آئیں گے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس مووی کو ڈائریکٹ کس نے کیا ہے۔ دوستو اس مووی کو جس نے ڈائریکٹ کیا ہے ان کا نام ہے ویدھو ونود چوپڑا، رائٹر بھی یہی ہے ویدھو ونود چوپڑا، اور بیسڈ آن 12th fail بائی انوراگ پھاٹک کی طرف سے، اور اس مووی کو جس نے پروڈیوس کیا ہے ان کا نام ویدھو ہی ہے ونود چوپڑا، اور اس کا ساتھ دے رہی ہے یوگیش اسروار۔ اس مووی میں مین کردار ادا کرتے آپ کو نظر آئیں گے وکرناتھ میسی، مدھا شنکر، انات وی جوشی، اس کے علاوہ انوشمان پشکر، اور اس کے علاوہ آخر میں جو مین کردار ادا کرتے آپ کو نظر آئیں گے وہ ہوں گے جی نریتت بائی انت وی جوشی، اور سینوگرافی جس نے اس مووی کی ہے ان کا نام ہے رنگراج، اور ایڈٹ جس نے کیا ہے ان کا نام ہے جسکوار کولی، اور اس کے علاوہ ویدھو ون چوپڑا بھی ان کے ساتھ ہیں۔ میوزک بائی سنتھم منیترا، پروڈکشن کمپنی ونود چوپڑا فلمس، ڈسٹریبیوٹ بائی جو ہے نا وہ عزیز اسٹوڈیوز کی طرف سے ہے، اور اس کی جو ریلیز ڈیٹ ہے وہ 27 اکتوبر 2023 ہے۔ رننگ ٹائم اس کا 140 منٹ کا ہے، کہہ سکتے ہیں کہ یہ 2.5 گھنٹے کی مووی ہے، اور کنٹری اس کی انڈیا ہے، اور لینگویج اس کی ہندی ہے۔ اس فلم کی وہ جو لاگت آئی وہ 20 کروڑ کی لاگت آئی، اور اس نے باکس آفس پر 66.58 کروڑ کا بہترین بزنس کیا۔ اب میں آپ کو اس مووی کی سٹوری بتاتا ہوں کہ اس مووی کی سٹوری کیا ہے، جس کا آپ سب کو بے صبری سے انتظار ہے، کیونکہ مووی دیکھنے کا مقصد بھی یہی سٹوری ہوتا ہے کہ اس مووی کی سٹوری کیا ہے۔ دوستو
इस मूवी में आप ये देखेंगे कि डाकू से मुतासर चंबल वादी में पैदा हुए मनोज कुमार शर्मा मेयर के लिए काम करने वाले एक सीधे कलर का बेटा और एक सूबेदार का पोता है जो कार्रवाई में हलाक हो गया। इसके वालिद और दादी दोनों अपने तरीके से इंतहाई ईमानदार हैं और करप्शन पर यकीन नहीं रखते। इस अटल यकीन की वजह से मनोज के वालिद को एक बदउनवान अफसर को मारने पर मुअत्तल कर दिया गया। मनोज अपने 12वीं जमात के फाइनल इम्तिहान के लिए धोखाधड़ी की पर जियां तैयार करता है जैसा कि इसके तमाम बीच के साथी करते हैं। इंतजाम मकामी MLA के जे असर होते हैं जो हुक्म देता है कि तमाम तलबा को पास होना चाहिए। तहम नए तब्दील शुदा पुलिस अफसर DSP विश्वनाथ सिंह स्कूल में MLA की कॉलों को नज़रअंदाज करते हैं और हेडमास्टर को गिरफ्तार कर लेते हैं जो बाद में इसे रिश्वत देने की कोशिश करता है। नतीजे के तौर पर मनोज समेत तमाम तलबा इम्तिहान में फेल हो जाते हैं। इसके वालिद इसकी मुअत्तली को हाई कोर्ट में चैलेंज करने चाहते हैं और ख़ानदान का बोझ मनोज और इसके बड़े भाई पर छोड़ देते हैं। भाइयों ने एक सफरी रक्षा इकट्ठा करने और फीस वसूल करने का फैसला किया ताकि घर में मदद मिल सके। मनोज के भाई को मेयर के मकामी मुर्गी को मारने के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। जब वो इनके मुसाफिरों को बस में सफर करने की कोशिश करता है बदउनवान पुलिस अफसरान इन्हें भी फंसाने की कोशिश करते हैं। SHO की तरफ से अपने भाई को गोली लगने से बचाने के लिए अपने दादा की रैफल लाने के लिए उकसाने के बाद मनोज इसके बजाय विश्वनाथ के घर पहुंच जाता है जो अपने भाई की जमानत देता है। जब मनोज ये सीखने की दरख्वास्त करता है कि विश्वनाथ जैसा आला अफसर कैसे बनता है तो विश्वनाथ इसे मशवरा देता है कि धोखा दही बंद करो। एक साल बाद मनोज ने धोखा दही के बगैर हर डिवीज़न में होने के बावजूद अपना इम्तिहान में पास किया और DSP बनने के लिए तारीख और हिंदी अदब में बैचलर ऑफ आर्ट्स करने का इंतखाब किया। जब वो गवा अलियार के सरकारी कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए निकलते हैं तो इसके दादी से अपनी सारी बचत देती है लेकिन सो जाने के बाद रास्ते में अपना सारा सामान खो देती है। वो खाली पेट सड़कों पर घूमने लगता है जब इसे एक और ख़बर आती है कि PSC के इम्तहानात रोकने का फैसला किया है क्योंकि हुकूमत के पास नए ओहदेदारों को मुलाजमत देने के लिए फंड कम है। इस एक मध्य प्रदेश हुकूमत ने अगले 3 सालों के लिए मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप से इसका बरह रास्त भर्ती डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनने का ख्वाब टूट जाता है। वो इस वक्त तक घूमता रहता है जब तक के बेहोश न हो जाए लेकिन मकामी रेलवे स्टेशन के करीब एक मकामी होटल का मालिक इसे खाना खिलाता है कि UPSC वहां इसकी मुलाकात प्रीतम पांडे से होती है जो PSC के इम्तिहान में पढ़ने के लिए भी आया था। पांडे का अमीर ठेकेदार बाप इसे फ़ोन करता है इसे दिल्ली में UPSC इम्तिहान की तैयारी करने को कहता है। मनोज बारे में सीखता है और तालीम हासिल करने और IPS ऑफिसर बनने के लिए प्रीतम के साथ दिल्ली जाता है। इसकी मुलाकात गोरी भैया से होती है जो इम्तिहान पास करने की अपनी आखिरी कोशिश कर रही है। मनोज को मुलाजमत के मौके और बढ़ने के लिए जगह फराहम करती है। हम गोरी भैया अपनी आखिरी कोशिश साफ करने से कासिर है आगे बढ़ने का फैसला करते हुए
गोरीबिया ने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट और हरी स्टार्ट के नाम से एक चाय का स्टॉल खोला और अपनी खिदमात मुफ्त फराहम की। अगले साल मनोज इब्तदाई इम्तिहानात की कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है। गोरीबिया की मदद से वो दोबारा नमोदार होता है और इसे साफ करने का इंतजाम करता है। एक कोचिंग सेंटर के दौरे के दौरान वो मसूरी से ताल्लुक रखने वाली शरदा जोशी और उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए हदफ रखती है और वो इससे प्यार करती है। अपनी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद मनोज इस साल भी अपने अहम इम्तिहानात पास करने में नाकाम रहता है। शरदा UPSC से मिलता है। वो इनके साथ इसके इब्तदाई तौर पर बढ़ते हुए ताल्लुकात में एक मुख्तलिफ रुकावट पड़ती है जब अब इसे अपनी हकीकी शनाख्त एक एग्जोनॉटिकल क्लिनिकल इंजीनियर के बजाय अदब से फारिग अल-तहसील के तौर पर मालूम होती है। इसके बाद वो मजीद मेहनत करने का फैसला करता है। हालांकि इसका नतीजा वही निकलता है। वो घर वापस आया और देखा कि इसकी दादी का इंतकाल हो गया है। अब एक मायूस गोरीबिया मनोज को अपने घर ले जाता है और इससे कहता है कि वो अजीब व गरीब काम करना छोड़ दे और अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो देना शुरू करे। वो ऐसा करता है और आखिरकार शरदा की मदद से मरकजी इम्तिहानात भी पास कर लेते हैं। इस वक्त के पास पास प्रीतम जो अपने तमाम इम्तिहानात में बार बार फेल हो चुका था मनोज से हसद करता है और इससे UKPSC पास करता है जिसने इस वक्त तक डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए अपने शरदा को कह कर बदनाम करता है कि वो मनोज के साथ सो रही है। इससे इनके रिश्ते में खराबी पैदा होती है लेकिन आखिरकार ये साफ हो जाता है अल्लाह के मनोज प्रीतम से बहुत नाराज हो जाता है। इसने पहले ही महसूस करने पर मजबूर कर रहे थे और प्रीतम को मशवरा दिया कि वो अपने वालिद के खिलाफ उठ खड़े हों। UPSC था कि प्रीतम एक रिपोर्टर के तौर पर काम करना चाहता है। हालांकि इसके वालिद इसे मनोज अपना इंटरव्यू देता है और ईमानदारी से तमाम सवालों के जवाब देता है। वो शरदा की तरफ से इससे लिखा गया एक खत पढ़ता है जिसमें इससे शादी करने का कहा गया था। वो खुशी खुशी इंटरव्यू देता है और मुस्कुराना बाहर आ जाता है और मनोज अपना इंटरव्यू देता है। ईमानदारी के साथ मसलों के जवाब भी देता है और 2 महीनों के बाद जब अटैच का ऐलान किया जाता है तो मनोज को एहसास होता है कि इससे IPS अफसर बनने का रैंक मिल गया है और वो जज्बात से होने लगता है। 1 साल बाद वो शरदा के साथ रहने के लिए उत्तराखंड में एक आला दर्जे का IPS अफसर बनाता है और मध्य प्रदेश के मंदिर सुवारसूर के पुलिस स्टेशन में DSP दशनाथ सिंह से मिलने जाता है और ISP का शुक्रिया अदा करना चाहता है और वो इससे धोखा तर्क करने की तरकीब देता है और इससे अपना शादी का दावतनामा कार्ड सन्नत पहले तो मनोज को नहीं पहचान सकता लेकिन बाद में पूरी तरह से याद करने की खुशी से भर जाता है। मनोज को अपनी कामयाबी पर गले लगाता है। फिल्म का इख्तिताम इस वक्त होता है जब मनोज अपने दोस्तों और खानदान के साथ अपनी शादी का जश्न मनाता है। आखिरकार जालमाना और
इस सल्ट की तालीमी निज़ाम की लहरों के खिलाफ जीत कर प्रीतम ने रिपोर्टर के तौर पर काम किया और आखिरकार अपना ख्वाब को पूरा कर लिया। यह है जी इस मूवी की स्टोरी जो कि हमने आपको बताई, कि आपको पसंद आई होगी। 12th Fail यानी कि 12th Fail 2023 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की सुहाने उम्री ड्रामा फिल्म है, जिसे वनूद चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया और लिखा और हिदायतकारी की। ये मनोज कुमार शर्मा की हकीकी जिंदगी की कहानी के बारे में अनुराग फाटक की 2019 की नामी नान फंक्शन किताब पर मबनी है, जिसने इंतहाई इज्जत पर काबू पाकर इंडियन पुलिस सर्विस का अफसर बनाया। इस फिल्म में मध्या शंकर, अनंत वी जोशी, अनोशोमान पश्कर और प्रिया निशो चट्टर जी के साथ वर्कनाथ मैसी टाइटल रोल में है। ये जो मूवी है, इस मूवी की जो बजट है दोस्तों वो है जी 66 करोड़, और ये जो है ना 2023 को थिएटर में रिलीज हुई। और इस फिल्म की जो पजीराई है, तनकीदी पजारे मिली इसको, वो है जी 20 करोड़ और 27 लाख। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करके आपको नजर आएगा। वर्कनाथ मैसी बतौर मनोज कुमार शर्मा के रोल में नजर आएंगे, मधा शंकर बतौर शरहा जोशी के रोल में, अंत वी जोशी बतौर प्रीतम पांडे के रोल में, अंशुमान इश्कर बतौर गौरी भैया के रोल में, प्रनिशु चट्टर्जी बतौर DSP देशनाथ सिंह के रोल में, गीत अग्रवाल शर्मा मनोज की मां के तौर पर, अरियाश खन्ना मनोज के वालिद के तौर पर, श्रिया जोशी मनोज की दादी के तौर पर, संजय पशुनाई बतौर नेवल, डॉक्टर वकास दियो, कृति रजात खुद विजय कुमार डोगरा बतौर सुंदर रजनी के तौर पर, इसके अलावा पैरी छाबरा मनोज की छोटी बहन, दारा चनाए बतौर मिस्टर सोलगी, रिदिका जोशी बतौर तानिया, फासी खान बतौर कृष्ण श्रद्धा के घर का नौकर, राहुल दियो शेट्टी बतौर मिस्टर महा मनोज के UPSC इंटरव्यू लेने वाले के तौर पर आपको इस मूवी में नजर आएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है। दोस्तों इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है विधु विनोद चोपड़ा। राइटर भी यही है विधु विनोद चोपड़ा, और बेस्ड ऑन 12th Fail बाई अनुराज आटक की तरफ से। और इस मूवी को जिसने प्रोड्यूस किया है उनका नाम विधु ही है विनोद चोपड़ा, और इसका साथ दे रही है योगेश इसरवार। इस मूवी में मेन किरदार अदा करते आपको नजर आएंगे विक्रनाथ मैसी, मिधा शंकर, अन्नाथ वी जोशी, इसके अलावा अनुशुमान पुष्कर, और इसके अलावा आखिर में जो मेन किरदार अदा करते आपको नजर आएंगे वो होंगे ये नरेतित बाई अनंत वी जोशी। और सिनेमेटोग्राफी जिसने इस मूवी की है उनका नाम है रंगराज, और एडिट जिसने किया है उनका नाम है जिसकुवार कोहली। और इसके अलावा विधु विन चोपड़ा भी इनके साथ है। म्यूजिक बाई संथम मुनेत्रा, प्रोडक्शन कंपनी विनोद चोपड़ा फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूट बाई जो है ना वो अजीज स्टूडियोज की तरफ से है, और इसकी जो रिलीज डेट है वो 27 अक्टूबर 2023 है। रनिंग टाइम इसका 140 मिनट का है। कह सकते हैं कि ये 2.5 घंटे की मूवी है, और कंट्री इसकी इंडिया है, और लैंग्वेज इसकी हिंदी है। इस फिल्म की वो जो लागत आई वो 20 करोड़ की लागत आई, और इसने बॉक्स ऑफिस पर 66.58 करोड़ का बेहतरीन बिजनेस किया। अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी बताता हूँ कि इस मूवी की स्टोरी क्या है, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि मूवी देखने का मकसद भी यही स्टोरी होता है कि इस मूवी की स्टोरी क्या है। दोस्तों
इस मूवी में आप ये देखेंगे कि डाकू से मुतासर चंबल वादी में पैदा हुए मनोज कुमार शर्मा मेयर के लिए काम करने वाले एक सीधे क्लर्क का बेटा और एक सूबेदार का पोता है जो कार्रवाई में हलाक हो गया। इसके वालिद और दादी दोनों अपने तरीके से इंतहाई ईमानदार हैं और करप्शन पर यकीन नहीं रखते। इस अटल यकीन की वजह से मनोज के वालिद को एक बदउनवान अफसर को मारने पर मुअत्तल कर दिया गया। मनोज अपने 12वीं जमात के फाइनल इम्तिहान के लिए धोखा भी की पर जिया तैयार करता है जैसा कि इसके तमाम बीच के साथी करते हैं। इंतजाम मकामी MLA के जेर असर होते हैं जो हुक्म देता है कि तमाम तलबा को पास होना चाहिए। तहम नए तब्दील शुदा पुलिस अफसर DSP विश्वनाथ सिंह स्कूल में MLA की कॉलों को नज़रअंदाज करते हैं और हेडमास्टर को गिरफ्तार कर लेते हैं जो बाद में इसे रिश्वत देने की कोशिश करता है। नतीजे के तौर पर मनोज समेत तमाम तलबा इम्तिहान में फेल हो जाते हैं। अरे इसना इसके वालिद इसकी मुतली को हाई कोर्ट में चैलेंज करने चाहते हैं और ख़ानदान का बोझ मनोज और इसके बड़े भाई पर छोड़ देते हैं। भाई उन्हें एक सफरी रक्षा इकट्ठा करने और फीस वसूल करने का फैसला किया ताकि घर में मदद मिल सके। मनोज के भाई को मेयर के मकामी मुर्गी को मारने के झूठे इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। जब वो इनके मुसाफिरों को बस में सफ़र करने की कोशिश करता है बदउनवान पुलिस अफसरान इन्हें भी फंसाने की कोशिश करते हैं। SHO की तरफ से अपने भाई को गोली लगने से बचाने के लिए अपने दादा की राइफल लाने के लिए उकसाने के बाद मनोज इसके बजाय दिशनाथ के घर पहुंच जाता है जो अपने भाई की जमानत देता है। जब मनोज ये सीखने की दरख्वास्त करता है कि दिशनाथ जैसा आला अफसर कैसे बनता है तो दिशनाथ इसे मशवरा देता है कि धोखा दही बंद करो। एक साल बाद मनोज ने धोखा दही के बगैर हर डिवीज़न में होने के बावजूद अपना इम्तिहान में पास किया और DSP बनने के लिए तारीफ और हिंदी अदब में बैचलर ऑफ आर्ट्स करने का इंतखाब किया। जब वो गवाह अलियार के सरकारी कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए निकलते हैं तो इसके दादी से अपनी सारी बहन बचत देती है लेकिन सो जाने के बाद रास्ते में अपना सारा सामान खो देती है। वो खाली पेट सड़कों पर घूमने लगता है जब इसे एक और ख़बर आती है कि PSC के इम्तहानात रोकने का फैसला किया है क्योंकि हुकूमत के पास नए ओहदेदारों को मुलाजमत देने के लिए फंड कम है। इस एक मध्य प्रदेश हुकूमत ने अगले 3 सालों के लिए मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप से इसका बरास भर्ती डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनने का ख्वाब टूट जाता है। वो इस वक्त तक घूमता रहता है जब तक के बेहोश न हो जाए लेकिन मकामी रेलवे स्टेशन के करीब एक मकामी होटल का मालिक इसे खाना खिलाता है कि UPSC वहां इसकी मुलाकात प्रीतम पांडे से होती है जो PSC के इम्तिहान में पढ़ने के लिए भी आया था। पांडे का अमीर ठेकेदार बाप इसे फ़ोन करता है इसे दिल्ली में UPSC इम्तिहान की तैयारी करने को कहता है। मनोज बारे में सीखता है और तालीम हासिल करने और IPS ऑफिसर बनने के लिए प्रीतम के साथ दिल्ली जाता है। इसकी मुलाकात गोरी गियात से होती है जो इम्तिहान पास करने की अपनी आखिरी कोशिश कर रही है। मनोज को मुलाजमत के मौके और पढ़ने के लिए जगह फराहम करती है। तहम गोरी भिया अपनी आखिरी कोशिश साफ करने से कासिर है आगे बढ़ने का फैसला करते हुए
गोरीबिया ने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट और हरी स्टार्ट के नाम से एक चाय का स्टॉल खोला और अपनी खिदमत मुफ्त फराहम की। अगले साल मनोज इब्तदाई इम्तिहानात की कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है। गोरीबिया की मदद से वो दोबारा नमोदार होता है और इसे साफ करने का इंतजाम करता है। एक कोचिंग सेंटर के दौरे के दौरान वो मसूरी से ताल्लुक रखने वाली शारदा जोशी और उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए हदफ रखती है और वो इससे प्यार करती है। अपनी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद मनोज इस साल भी अपने अहम इम्तिहानात पास करने में नाकाम रहता है। शारदा UPSC से मिलता है। वो इनके साथ इसके इब्तदाई तौर पर बढ़ते हुए ताल्लुकात में एक मुख्तलिफ रुकावट पड़ती है जब अब इसे अपनी हकीकी शनाख्त एक एग्जोनॉटिकल फोरेंसिकल इंजीनियर के बजाय अदब से फारिग अल-तहसील के तौर पर मालूम होती है। इसके बाद वो मजीद मेहनत करने का फैसला करता है। हालांकि इसका नतीजा वही निकलता है। वो घर वापस आया और देखा कि इसकी दादी का इंतकाल हो गया है। अब एक मायूस गोरीबिया मनोज को अपने घर ले जाता है और इससे कहता है कि वो अजीब व गरीब काम करना छोड़ दे और अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो देना शुरू करे। वो ऐसा करता है और आखिरकार शारदा की मदद से मरकजी इम्तिहानात भी पास कर लेते हैं। इस वक्त के पास पास प्रीतम जो अपने तमाम इम्तिहानात में बार बार फेल हो चुका था मनोज से हसद करता है और इससे UKPSC पास करता है जिसने इस वक्त तक डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए अपने शारदा को कह कर बदनाम करता है कि वो मनोज के साथ सो रही है। इससे इनके रिश्ते में खराबी पैदा होती है लेकिन आखिरकार ये साफ हो जाता है हालांकि मनोज प्रीतम से बहुत नाराज हो जाता है। इसने पहले ही महसूस करने पर मजबूर कर रहे थे और प्रीतम को मशवरा दिया कि वो अपने वालिद के खिलाफ उठ खड़े हों। UPSC था कि प्रीतम एक रिपोर्टर के तौर पर काम करना चाहता है। हालांकि इसके वालिद इसे मनोज अपना इंटरव्यू देता है और ईमानदारी से तमाम सवालों के जवाब देता है। वो शारदा की तरफ से इससे लिखा गया एक खत पढ़ता है जिसमें इससे शादी करने का कहा गया था। वो खुशी खुशी इंटरव्यू देता है और मुस्कुराना बाहर आ जाता है और मनोज अपना इंटरव्यू देता है। ईमानदारी के साथ मसलों के जवाब भी देता है। 2 महीनों के बाद जब नतीजे का ऐलान किया जाता है तो मनोज को एहसास होता है कि इससे IPS अफसर बनने का रैंक मिल गया है और वो जज्बात से होने लगता है। 1 साल बाद वो शारदा के साथ रहने के लिए उत्तराखंड में एक आला दर्जे का IPS अफसर बनाता है और मध्य प्रदेश के मंदिर सुवारसूर के पुलिस स्टेशन में DSP दशनाथ सिंह से मिलने जाता है और ISP का शुक्रिया अदा करना चाहता है और वो इससे धोखा तर्क करने की तरगीब देता है और इससे अपना शादी का दावतनामा कार्ड सन्नत पहले तो मनोज को नहीं पहचान सकता लेकिन बाद में पूरी तरह से याद करने की खुशी से भर जाता है। मनोज को अपनी कामयाबी पर गले लगाता है। फिल्म का इख्तिताम इस वक्त होता है जब मनोज अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ अपनी शादी का जश्न मनाता है। आखिरकार जालमाना और
इस सल की तालीमी निज़ाम की लहरों के खिलाफ जीत कर प्रीतम ने रिपोर्टर के तौर पर काम किया और आखिरकार अपना ख्वाब को पूरा कर लिया। यह है जी इस मूवी की स्टोरी जो कि हमने आपको बताई आपको पसंद आई होगी। 12th फेल यानी कि 12वीं फेल एक 2023 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की सुहाने उम्री ड्रामा फिल्म है जिसे वनूद चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया और लिखा और हिदायतकारी की। ये मनोज कुमार शर्मा की हकीकी जिंदगी की कहानी के बारे में अनुराग फाटक की 2019 की नामी नान फंक्शन किताब पर मबनी है जिसने इंतहाई इज्जत पर काबू पाकर इंडियन पुलिस सर्विस का अफसर बनाया। इस फिल्म में मध्या शंकर अनंत वी जोशी अनोशोमान पश्कर और प्रिया निशो चट्टर जी के साथ वर्कनाथ मैसी टाइटल रोल में है। ये जो मूवी है इस मूवी की जो बजट है दोस्तों वो है जी 66 करोड़ और ये जो है ना अक्टूबर 2023 को थिएटर में रिलीज हुई और इस फिल्म की जो पजीराई है तनकीदी पजारे मिली इसको वो है जी 20 करोड़ और 27 लाख। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करते आपको नजर आएंगे। वर्कनाथ मैसी बतौर मनोज कुमार शर्मा के रोल में नजर आएंगे, मधा शंकर बतौर शरहा जोशी के रोल में, अंत वी जोशी बतौर प्रीतम पांडे के रोल में, अंशु मान इश्कर बतौर गौरी भैया के रोल में, प्रनिशु चट्टर जी बतौर DSP देशनाथ सिंह के रोल में, गीत अग्रवाल शर्मा मनोज की मां के तौर पर, अरियाश खन्ना मनोज के वालिद के तौर पर, श्रिया जोशी मनोज की दादी के तौर पर, संजय पशुनाई बतौर नेवल, डॉक्टर वकास दियो कृति बजात खुद विजय कुमार डोगरा बतौर सुंदर रजनी के तौर पर, इसके अलावा पैरी छाबरा मनोज की छोटी बहन, दारा चनाए बतौर मिस्टर सोलगी, रिदिका जोशी बतौर तानिया, फासी खान बतौर कृष्ण श्रद्धा के घर का नौकर, राहुल दियो शेट्टी बतौर मिस्टर महा मनोज के UPSC इंटरव्यू लेने वाले के तौर पर आपको इस मूवी में नजर आएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है। दोस्तों इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है विधु विनोद चोपड़ा, राइटर भी यही है विधु विनोद चोपड़ा और बेस्ड ऑन 12th फेल बाई अनुराज फाटक की तरफ से, और इस मूवी को जिसने प्रोड्यूस किया है उनका नाम विधु ही है विनोद चोपड़ा और इसका साथ दे रही है योगेश इसरवार। इस मूवी में मेन किरदार अदा करते आपको नजर आएंगे विक्रनाथ मैसी, मिधा शंकर, अन्नाथ वी जोशी, इसके अलावा अनुशुमान पुष्कर और इसके अलावा आखिर में जो मेन किरदार अदा करते आपको नजर आएंगे वो होंगे जी नरेतित बाई अनंत वी जोशी और सिनेमोग्राफी जिसने इस मूवी की है उनका नाम है रंगराज और एडिट जिसने किया है उनका नाम है जिसकुवार ओली और इसके अलावा विधु विम चोपड़ा भी इनके साथ हैं। म्यूजिक बाई संथम मुनेत्रा, प्रोडक्शन कंपनी विनोद चोपड़ा फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूट बाई जो है ना वो अजीज स्टूडियोज की तरफ से है और इसकी जो रिलीज डेट है वो 27 अक्टूबर 2023 है। रनिंग टाइम इसका 140 मिनट का है, कह सकते हैं कि ये 2.5 घंटे की मूवी है और कंट्री इसकी इंडिया है और लैंग्वेज इसकी हिंदी है। इस फिल्म की वो जो लागत आई वो 20 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 66.58 करोड़ का बेहतरीन बिजनेस किया। अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी बताता हूँ कि इस मूवी की स्टोरी क्या है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार है क्योंकि मूवी देखने का मकसद भी यही स्टोरी होता है कि इस मूवी की स्टोरी क्या है। दोस्तों
मूवी इस मूवी में आप ये देखेंगे कि डाकू से मुतासरा चंबल वादी में पैदा हुए मनोज कुमार शर्मा मेयर के लिए काम करने वाले एक सीधे क्लर्क का बेटा और एक सूबेदार का पोता है जो कार्रवाई में हलाक हो गया। इसके वालिद और दादी दोनों अपने तरीके से इंतहाई ईमानदार हैं और करप्शन पर यकीन नहीं रखते। इस अटल यकीन की वजह से मनोज के वालिद को एक बदउनवान अफसर को मारने पर मुअत्तल कर दिया गया। मनोज अपने 12वीं जमात के फाइनल इम्तिहान के लिए धोखा भी की पर जियां तैयार करता है जैसा कि इसके तमाम बीच के साथी करते हैं। इंतजाम मकामी MLA के ज़े असर होते हैं जो हुक्म देता है कि तमाम तलबा को पास होना चाहिए। तहम नए तब्दील शुदा पुलिस अफसर DSP दिशनाथ सिंह स्कूल में MLA की कॉलों को नज़रअंदाज करते हैं और हेडमास्टर को गिरफ्तार कर लेते हैं जो बाद में इसे रिश्वत देने की कोशिश करता है। नतीजे के तौर पर मनोज समेत तमाम तलबा इम्तिहान में फेल हो जाते हैं। दरअसल इसके वालिद इसकी मुअत्तली को हाई कोर्ट में चैलेंज करने चाहते हैं और ख़ानदान का बोझ मनोज और इसके बड़े भाई पर छोड़ देते हैं। भाई उन्हें एक सफरी रक्षा इकट्ठा करने और फीस वसूल करने का फैसला किया ताकि घर में मदद मिल सके। मनोज के भाई को मेयर के मकामी मुर्गी को मारने के झूठे इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। जब वो इनके मुसाफिरों को बस में सफ़र करने की कोशिश करता है बदउनवान पुलिस अफसरान इन्हें भी फंसाने की कोशिश करते हैं। SHO की तरफ से अपने भाई को गोली लगने से बचाने के लिए अपने दादा की राइफल लाने के लिए उकसाने के बाद मनोज इसके बजाय दिशनाथ के घर पहुंच जाता है जो अपने भाई की जमानत देता है। जब मनोज ये सीखने की दरख्वास्त करता है कि दिशनाथ जैसा आला अफसर कैसे बनता है तो दिशनाथ इसे मशवरा देता है कि धोखा दही बंद करो। एक साल बाद मनोज ने धोखा दही के बगैर हर डिवीज़न में होने के बावजूद अपना इम्तिहान पास किया और DSP बनने के लिए तारीफ और हिंदी अदब में बैचलर ऑफ आर्ट्स करने का इंतखाब किया। जब वो गवा अलियार के सरकारी कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए निकलते हैं तो इसके दादी से अपनी सारी बचत देती है लेकिन सो जाने के बाद रास्ते में अपना सारा सामान खो देती है। वो खाली पेट सड़कों पर घूमने लगता है जब इसे एक और ख़बर आती है कि PSC के इम्तहानात रोकने का फैसला किया है क्योंकि हुकूमत के पास नए ओहदेदारों को मुलाजमत देने के लिए फंड कम है। इस एक मध्य प्रदेश हुकूमत ने अगले 3 सालों के लिए मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप से इसका बरास भर्ती डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनने का ख्वाब टूट जाता है। वो इस वक्त तक घूमता रहता है जब तक के बेहोश न हो जाए लेकिन मकामी रेलवे स्टेशन के करीब एक मकामी होटल का मालिक इसे खाना खिलाता है कि UPSC वहाँ इसकी मुलाकात प्रीतम पांडे से होती है जो PSC के इम्तिहान में पढ़ने के लिए भी आया था। पांडे का अमीर ठेकेदार बाप इसे फ़ोन करता है इसे दिल्ली में UPSC इम्तिहान की तैयारी करने को कहता है। मनोज बारे में सीखता है और तालीम हासिल करने और IPS ऑफिसर बनने के लिए प्रीतम के साथ दिल्ली जाता है। इसकी मुलाकात गोरी भियात से होती है जो इम्तिहान पास करने की अपनी आखिरी कोशिश कर रही है। मनोज को मुलाजमत के मौके और पढ़ने के लिए जगह फराहम करती है। हम गोरी भिया अपनी आखिरी कोशिश साफ करने से कासिर है आगे बढ़ने का फैसला करते हुए
गोरीबिया ने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट और हरी स्टार्ट के नाम से एक चाय का स्टॉल खोला और अपनी खिदमात मुफ्त फराहम की। अगले साल मनोज इब्तदाई इम्तिहानात की कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है। गोरी बिया की मदद से वो दोबारा नमोदार होता है और इसे साफ करने का इंतजाम करता है। एक कोचिंग सेंटर के दौरे के दौरान वो मसूरी से ताल्लुक रखने वाली शारदा जोशी और उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए हदफ रखती है और वो इससे प्यार करती है। अपनी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद मनोज इस साल भी अपने अहम इम्तिहानात पास करने में नाकाम रहता है। शारदा UPSC से मिलता है। वो इनके साथ इसके इब्तदाई दौर पर बढ़ते हुए ताल्लुकात में एक मुख्तलिफ रुकावट पड़ती है जब अब इसे अपनी हकीकी शनाख्त एक एग्जोनॉटिकल फोरेंसिकल इंजीनियर के बजाय अदब से फारिग अल-तहसील के तौर पर मालूम होती है। इसके बाद वो मजीद मेहनत करने का फैसला करता है। हालांकि इसका नतीजा वही निकलता है। वो घर वापस आया और देखा कि इसकी दादी का इंतकाल हो गया है। अब एक मायूस गोरी भिया मनोज को अपने घर ले जाता है और इससे कहता है कि वो अजीब व गरीब काम करना छोड़ दे और अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो देना शुरू करे। वो ऐसा करता है और आखिरकार शारदा की मदद से मरकजी इम्तिहानात भी पास कर लेते हैं। इस वक्त के पास पास प्रीतम जो अपने तमाम इम्तिहानात में बार बार फेल हो चुका था मनोज से हसद करता है और इससे UKPSC पास करता है जिसने इस वक्त तक डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए अपने शारदा को कह कर बदनाम करता है कि वो मनोज के साथ सो रही है। इससे इनके रिश्ते में खराबी पैदा होती है लेकिन आखिरकार ये साफ हो जाता है। हालांकि मनोज प्रीतम से बहुत नाराज हो जाता है। इसने पहले ही महसूस करने पर मजबूर कर रहे थे और प्रीतम को मशवरा दिया कि वो अपने वालिद के खिलाफ उठ खड़े हों। UPSC था कि प्रीतम एक रिपोर्टर के तौर पर काम करना चाहता है। हालांकि इसके वालिद इसे मनोज अपना इंटरव्यू देता है और ईमानदारी से तमाम सवालों के जवाब देता है। वो शारदा की तरफ से इससे लिखा गया एक खत पढ़ता है जिसमें इससे शादी करने का कहा गया था। वो खुशी खुशी इंटरव्यू देता है और मुस्कुराना बाहर आ जाता है और मनोज अपना इंटरव्यू देता है। ईमानदारी के साथ मसलों के जवाब भी देता है। 2 महीनों के बाद जब नतीज का ऐलान किया जाता है तो मनोज को एहसास होता है कि इससे IPS अफसर बनने का रैंक मिल गया है और वो जज्बात से होने लगता है। 1 साल बाद वो शारदा के साथ रहने के लिए उत्तराखंड में एक आला दर्जे का IPS अफसर बनाता है और मध्य प्रदेश के मंदिर सुवारसूर के पुलिस स्टेशन में DSP दशनाथ सिंह से मिलने जाता है और ISP का शुक्रिया अदा करने जाता है और वो इससे धोखा तर्क करने की तरगीब देता है और इससे अपना शादी का दावतनामा कार्ड सुन्नत पहले तो मनोज को नहीं पहचान सकता लेकिन बाद में पूरी तरह से याद करने की खुशी से भर जाता है। मनोज को अपनी कामयाबी पर गले लगाता है। फिल्म का इख्तिताम इस वक्त होता है जब मनोज अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ अपनी शादी का जश्न मनाता है। आखिरकार
ظالمانہ اور اس سل کی تعلیمی نظام کی لہروں کے خلاف جیت کر رپتم نے رپورٹر کے طور پر کام کیا اور آخر کار اپنا خواب کو پورا کر لیا۔ یہ ہے جی اس مووی کی سٹوری جو کہ ہم نے آپ کو بتائی، بولے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ 12th fail یعنی کہ 12th fail 1 2023 کی ہندوستانی ہندی زبان کی سوانح عمری ڈرامہ فلم ہے، جسے ونود چوپڑا نے پروڈیوس کیا اور لکھا اور ہدایت کاری کی۔ یہ منوج کمار شرما کی حقیقی زندگی کی کہانی کے بارے میں انوراگ ہاٹک کی 2019 کی نامی نان فنکشن کتاب پر مبنی ہے، جس نے انتہائی عزت پر قابو پا کر انڈین پولیس سروس کا افسر بنایا۔ اس فلم میں مدھیا شنکر، آنت وی جوشی، انوشومان پشکر اور پریا نشو چٹر جی کے ساتھ ورکنات میسی ٹائٹل رول میں ہیں۔ یہ جو مووی ہے، اس مووی کی جو بجٹ ہے دوستو وہ ہے جی 66 کروڑ، اور یہ جو ہے نا 2023 کو تھیٹر میں ریلیز ہوئی، اور اس فلم کی جو پذیرائی ہے تنقیدی پذیرے ملی اس کو وہ ہے جی 20 کروڑ اور 27 لاکھ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس مووی میں کون کیا کردار ادا کرتے آپ کو نظر آئیں گے۔ ورکناتھ میسی بطور منوج کمار شرما کے رول میں نظر آئیں گے، مدھا شنکر بطور شرحا جوشی کے رول میں، آنت وی جوشی بطور پریتم پانڈے کے رول میں، انشو مان اشکر بطور گوری بھیا کے رول میں، پرنیشو چٹر جی بطور ڈی ایس پی دیشناتھ سنگھ کے رول میں، گیت اگروال شرما منوج کی ماں کے طور پر، ہریاش انا منوج کے والد کے طور پر، سریا جوشی منوج کی دادی کے طور پر، سنجے وشنائی بطور نیول، ڈاکٹر وکاس دیو، کرتی بذات خود وجے کمار ڈوگرا بطور سندر رجنی کے طور پر، اس کے علاوہ پیری چھابرا منوج کی چھوٹی بہن، دارا چنائے بطور مسٹر سولگی، ریدیکا جوشی بطور تانیا، فاسی خان بطور کشن شردھا کے گھر کا نوکر، راہل دیو شیٹی بطور مسٹر مہا منوج کے یو پی ایس سی انٹرویو لینے والے کے طور پر آپ کو اس مووی میں نظر آئیں گے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس مووی کو ڈائریکٹ کس نے کیا ہے۔ دوستو اس مووی کو جس نے ڈائریکٹ کیا ہے ان کا نام ہے ودھو ونود چوپڑا، رائٹر بھی یہی ہے ودھو ونود چوپڑا، اور بیسڈ آن 12th fail بائی انراج ہاٹک کی طرف سے، اور اس مووی کو جس نے پروڈیوس کیا ہے ان کا نام ودھو ہی ہے ونود چوپڑا، اور اس کا ساتھ دے رہی ہے یوگیش اسروار۔ اس مووی میں مین کردار ادا کرتے آپ کو نظر آئیں گے وکرناتھ میسی، مدھا شنکر، انات وی جوشی، اس کے علاوہ انوشمان پشکر، اور اس کے علاوہ آخر میں جو مین کردار ادا کرتے آپ کو نظر آئیں گے وہ ہوں گی نریتت بائی انت وی جوشی، اور سینوگرافی جس نے اس مووی کی ہے ان کا نام ہے رنگراج، اور ایڈٹ جس نے کیا ہے ان کا نام ہے جسکوار کولی، اور اس کے علاوہ ودھو ون چوپڑا بھی ان کے ساتھ ہیں۔ میوزک بائی سنتھم منیترا، پروڈکشن کمپنی ونود چوپڑا فلمس، ڈسٹریبیوٹ بائی جو ہے نا وہ عزیز اسٹوڈیوز کی طرف سے ہے، اور اس کی جو ریلیز ڈیٹ ہے وہ 27 اکتوبر 2023 ہے۔ رننگ ٹائم اس کا 140 منٹ کا ہے، کہہ سکتے ہیں کہ یہ 2.5 گھنٹے کی مووی ہے، اور کنٹری اس کی انڈیا ہے، اور لینگویج اس کی ہندی ہے۔ اس فلم کی وہ جو لاگت آئی وہ 20 کروڑ کی لاگت آئی، اور اس نے باکس آفس پر 66.58 کروڑ کا بہترین بزنس کیا۔ اب میں آپ کو اس مووی کی سٹوری بتاتا ہوں کہ اس مووی کی سٹوری کیا ہے، جس کا آپ سب کو بے صبری سے انتظار ہے، کیونکہ مووی دیکھنے کا مقصد بھی یہی سٹوری ہوتا ہے کہ اس مووی کی سٹوری کیا ہے۔ دوستو
मूवी इस मूवी में आप ये देखेंगे कि डाकू से मुतासर चंबल वादी में पैदा हुए मनोज कुमार शर्मा मेयर के लिए काम करने वाले एक सीधे कलर का बेटा और एक सूबेदार का पोता है जो कार्रवाई में हलाक हो गया। इसके वालिद और दादी दोनों अपने तरीके से इंतहाई ईमानदार हैं और करप्शन पर यकीन नहीं रखते। इस अटल यकीन की वजह से मनोज के वालिद को एक बदउनवान अफसर को मारने पर मुअत्तल कर दिया गया। मनोज अपने 12वीं जमात के फाइनल इम्तिहान के लिए धोखाधड़ी की पर्चियां तैयार करता है जैसा कि इसके तमाम बैच के साथी करते हैं। इंतजाम मकामी MLA के ज़े असर होते हैं जो हुक्म देता है कि तमाम तलबा को पास होना चाहिए। ताहम नए तब्दील शुदा पुलिस अफसर DSP दिशनाथ सिंह स्कूल में MLA की कॉलों को नज़रअंदाज करते हैं और हेडमास्टर को गिरफ्तार कर लेते हैं जो बाद में इसे रिश्वत देने की कोशिश करता है। नतीजे के तौर पर मनोज समेत तमाम तलबा इम्तिहान में फेल हो जाते हैं। दरी असरा इसके वालिद इसकी मुअत्तली को हाई कोर्ट में चैलेंज करने चाहते हैं और ख़ानदान का बोझ मनोज और इसके बड़े भाई पर छोड़ देते हैं। भाई उन्हें एक सफरी रक्षा इकट्ठा करने और फीस वसूल करने का फैसला किया ताकि घर में मदद मिल सके। मनोज के भाई को मेयर के मकामी मुर्गी को मारने के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। जब वो इनके मुसाफिरों को बस में सफ़र करने की कोशिश करता है बदउनवान पुलिस अफसरान इन्हें भी फंसाने की कोशिश करते हैं। SHO की तरफ से अपने भाई को गोली लगने से बचाने के लिए अपने दादा की राइफल लाने के लिए उकसाने के बाद मनोज इसके बजाय दिशनाथ के घर पहुंच जाता है जो अपने भाई की जमानत देता है। जब मनोज ये सीखने की दरख्वास्त करता है कि दिशनाथ जैसा आला अफसर कैसे बनता है तो दिशनाथ इसे मशवरा देता है कि धोखा दही बंद करो। एक साल बाद मनोज ने धोखा दही के बगैर हर डिवीज़न में होने के बावजूद अपना इम्तिहान पास किया और DSP बनने के लिए तारीख और हिंदी अदब में बैचलर ऑफ आर्ट्स करने का इंतखाब किया। जब वो ग्वालियर के सरकारी कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए निकलते हैं तो इसके दादी से अपनी सारी बचत देती है लेकिन सो जाने के बाद रास्ते में अपना सारा सामान खो देती है। वो खाली पेट सड़कों पर घूमने लगता है जब इसे एक और ख़बर आती है कि PSC के इम्तिहानात रोकने का फैसला किया है क्योंकि हुकूमत के पास नए ओहदेदारों को मुलाजमत देने के लिए फंड कम है। इस एक मुदिया प्रदेश हुकूमत ने अगले 3 सालों के लिए मुदिया प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप से इसका बरास भर्ती डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बनने का ख्वाब टूट जाता है। वो इस वक्त तक घूमता रहता है जब तक के बेहोश न हो जाए लेकिन मकामी रेलवे स्टेशन के करीब एक मकामी होटल का मालिक इसे खाना खिलाता है कि PSC वहाँ इसकी मुलाकात प्रीतम पांडे से होती है जो PSC के इम्तिहान में पढ़ने के लिए भी आया था। पांडे का अमीर ठेकेदार बाप इसे फोन करता है इसे दिल्ली में UPSC इम्तिहान की तैयारी करने को कहता है। मनोज बारे में सीखता है और तालीम हासिल करने और IPS अफिसर बनने के लिए प्रीतम के साथ दिल्ली जाता है। इसकी मुलाकात गोरी भियात से होती है जो इम्तिहान पास करने की अपनी आखिरी कोशिश कर रही है। मनोज को मुलाजमत के मौके और पढ़ने के लिए जगह फराहम करती है। हम गोरी भिया अपनी आखिरी कोशिश साफ करने से कासे है आगे बढ़ने का फैसला करते हुए
गोरीबिया ने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट और हरी स्टार्ट के नाम से एक चाय का स्टॉल खोला और अपनी खिदमत मुफ्त फराहम की। अगले साल मनोज इब्तदाई इम्तिहानात की कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है। गोरी भिया की मदद से वो दोबारा नमोदार होता है और इसे साफ करने का इंतजाम करता है। एक कोचिंग सेंटर के दौरे के दौरान वो मसूरी से ताल्लुक़ रखने वाली शरदा जोशी और उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए हदफ रखती है और वो इससे प्यार करती है। अपनी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद मनोज इस साल भी अपने अहम इम्तिहानात पास करने में नाकाम रहता है। शरदा UPSC से मिलता है। वो इनके साथ इसके इब्तदाई तौर पर बढ़ते हुए ताल्लुकात में एक मुख्तलिफ रुकावट पड़ती है जब अब इसे अपनी हकीकी शनाख्त एक एग्जोनॉटिकल फोरेंसिकल इंजीनियर के बजाय अदब से फारिग अल-तहसील के तौर पर मालूम होती है। इसके बाद वो मजीद मेहनत करने का फैसला करता है। हालांकि इसका नतीजा वही निकलता है। वो घर वापस आया और देखा कि इसकी दादी का इंतकाल हो गया है। अब एक मायूस गोरी भिया मनोज को अपने घर ले जाता है और इससे कहता है कि वो अजीब व गरीब काम करना छोड़ दे और अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो देना शुरू करे। वो ऐसा करता है और आखिरकार शरदा की मन से मरकजी इम्तिहानात भी पास कर लेते हैं। इस वक्त के पास पास प्रीतम जो अपने तमाम इम्तिहानात में बार बार फेल हो चुका था मनोज से हसद करता है और इसे UKPSC पास करता है जिसने इस वक्त तक डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए अपने शरदा को कह कर बदनाम करता है कि वो मनोज के साथ सो रही है। इससे इनके रिश्ते में खराबी पैदा होती है लेकिन आखिरकार ये साफ हो जाता है हालांकि मनोज प्रीतम से बहुत नाराज हो जाता है। इसने पहले ही महसूस करने पर मजबूर कर रहे थे और प्रीतम को मशवरा दिया कि वो अपने वालिद के खिलाफ उठ खड़े हों। UPSC था कि प्रीतम एक रिपोर्टर के तौर पर काम करना चाहता है। हालांकि इसके वालिद इसे मनोज अपना इंटरव्यू देता है और ईमानदारी से तमाम सवालों के जवाब देता है। वो शरदा की तरफ से इससे लिखा गया एक खत पढ़ता है जिसमें इससे शादी करने का कहा गया था। वो खुशी खुशी इंटरव्यू देता है और मुस्कुराना बाहर आ जाता है और मनोज अपना इंटरव्यू देता है ईमानदारी के साथ मसलों के जवाब भी देता है। और 2 महीनों के बाद जब नतीज का ऐलान किया जाता है तो मनोज को एहसास होता है कि इससे IPS अफसर बनने का रैंक मिल गया है और वो जज्बात से रोने लगता है। 1 साल बाद वो शरदा के साथ रहने के लिए उत्तराखंड में एक आला दर्जे का IPS अफसर बनाता है और मध्य प्रदेश के मंदिर सुवारसूर के पुलिस स्टेशन में DSP दशनाथ सिंह से मिलने जाता है और ISP का शुक्रिया अदा करना चाहता है और वो इससे धोखा तर्क करने की तरगीब देता है और इससे अपना शादी का दावतनामा कार्ड सन्नत पहले तो मनोज को नहीं पहचान सकता लेकिन बाद में पूरी तरह से याद करने की खुशी से भर जाता है। मनोज को अपनी कामयाबी पर गले लगाता है। फिल्म का इख्तिताम इस वक्त होता है जब मनोज अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ अपनी शादी का जश्न मनाता है। आखिरकार जालमाना और
इस सल की तालीमी निज़ाम की लहरों के खिलाफ जीत कर दिप्तम ने रिपोर्टर के तौर पर काम किया और आखिरकार अपना ख्वाब को पूरा कर लिया। यह है जी इस मूवी की स्टोरी जो कि हमने आपको बताई, आपको पसंद आई होगी।